मील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुम मूर धाम सुना क्षीर सागर शयन। मंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु नयागार बसहिं राम कर चाँप धरी। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर। अपनी दारुण दीनता भरत जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी से सुमंत है और प्रजा लोग माताएं और सबके सामने भरत जी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं अपनी बहुत बड़ी दीनता अब सब ही कहूं समझाई देखे बिनु रघुवीर पद जिया की जरनी न जाय। बताए कि आप लोग राज तिलक करना चाहते हैं, राज्य कराना चाहते हैं और राज्य ये आप लोगों का सोच है, उसमें आप लोगों को सुख है, लेकिन हमें सुख कब है कि पहले चरणों का दर्शन करूं जा करके। अवान उपाय मोहि नहीं सूझा को जिय की रघुबर बिनु बूझा। मेरे लिए तो किसी उपाय से भी बोध नहीं हो रहा है और यह जो जिय की भीतर की हृदय की है यह बिना भीतर की जो कुछ बात है हमारे अंदर की बात है हृदय की बात है यह बिना भगवान राम से कोई समझ भी नहीं पाएगा। अरे कहिया कही है मन माही प्रात काल चलिहो प्रभु पाही। कहते हैं यही एक उपाय सोचते हैं कि प्रातः वहाँ चलेंगे। यद्यपि मैं अन भल अपराधी अब भई मोहि कारण सकल उपाधि और तदपि चरण सन मुख मोहि देखी क्षमि सब करी हहीं कृपा विशेखी। फिर भी चरणों की तरफ जब झुकूंगा तो सब क्षमा करके और कृपा करेंगे हमारे ऊपर विशेष कृपा करेंगे विशेषी। असील सकुचि सुचि सरल सुभावु कृपा स्नेह सदन रघुराउ। क्योंकि सील संकोच और पवित्रता और सरल स्वभाव और कृपा और स्नेह के एक घर हैं भगवान राम, ये सबके घर हैं। और अरिहु कान भल किन न रामा, ये तो कभी भी अपने शत्रु का भी अनबल नहीं किए, बुरा कभी नहीं किए। अमय शिशु सेवक यद्यपि मामा, मैं तो उनका सेवक हूँ, बच्चेपन से ही इस समय जरूर बामा शब्द आया है, इसलिए छोटे से तो मैं किया शिशु से हो गया छोटा, लेकिन बामा यद्यपि मैं इस समय जरूर उल्टा उनके अच्छा हो गया हूँ, विपरीत भाव में हूँ तो नहीं लेकिन ऐसा बोल रहा है, स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति हो गई है।
कि तुम पै पांच मोर भल मानी, कवाय सुआशीष दे सुमानी। और आप लोग जो ये पंच यहाँ जुटे हैं, ये हमको आशीर्वाद दे दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए, जिससे कि मैं जाऊँ और सफल हों अपने सुंदर वाणी से। अजय ही सुनी बिना मोही जन जानी, ऐसा उपाय बताइए, आदेश दीजिए आशीष कि मेरी बिना सुन करके और मुझे अपना जान करके। अवा वही बहुरी राम रजधानी, ये सहयोग आप लोग करिए करिए, करना है तो ये करिए। तो यद्यपि जन्म कुमार तुते मैं सठ सदा सदोष, मैं तो हमेशा दोष वाला ही हूँ क्योंकि कुमाता से जन्म हुआ है। आप न जानी न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस, अपना जान करके मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं मुझे ऐसा भरोसा हुआ राम पर है। तो भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, सबको अच्छा लगा और राम के स्नेह रूपी अमृत में पगा है ऐसा लगा सबको। और लोग वियोग विषम दुख दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। और लोग वियोग विषम वियोग से दुख से भगवान राम के ये मरे के समान हो गए थे। और मंत्र सजीव, मरा को जीवित कर दे कुछ ऐसा मंत्र कभी रहा होगा, अब तो नहीं है। और ऐसे मंत्र का उच्चारण हो और वह मरा व्यक्ति जाग जाए, ऐसे ये अयोध्यावासी सब भरत की ये बात सुनकर के जाग गए। तमातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति जनुआही। भरत की सराहना करते हैं सब लोग और कहते हैं कि मानो राम की जो राम का जो प्रेम है वह प्रेम ही मूर्ति रूप में भरत जी हैं, राम के प्रेम की मूर्ति हैं। अवतात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय यहू, जो पामर अपनी जड़ताई, तुम ही लगाई मातु कुटिलाई। ओ मूर्ख लोग जो माता को देख करके, माता की करनी को देख करके और आपके ऊपर दोष लगाते हैं, वो मूर्ख हैं, लगाएंगे जो मूर्ख हैं। अशो सठ कोटि न पुरुष समेता, अब बस ही कल्प सत न कर नरक निकेता। वे अधम व्यक्ति ऐसे जो अनेक हो जाएंगे करोड़ों कहने वाले, वे सब करोड़ों जाकर के एक कल्प सब कल्प तक और नरक में वास करेंगे, इतना बड़ा पाप लगेगा। निकेता माने घर, हाँ निकेता माने नरक के घोर में रहेंगे। अब वही अघय अवगुण मनी नहीं गई, वही अघ अवगुण मनि नहीं गई, हरे गरल दुखदारी ददहई। मणि सर्प के अंदर होती है, लेकिन मणि के अंदर विष हो, सर्प के अंदर विष होता है, वह विष मणि से विष का कोई संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि वह मणि जो दोष है सर्प का वह नहीं लेती है। अहियघ अहिका जो पाप है अवगुण है उसको मणि नहीं गही, नहीं नहीं प्राप्त करती है, नहीं लेती है। हाँ, और हरे गरल दुखदारी दही, और यह जो है दुख और दरिद्रता समन करती है दोनों। मरी का इतना बड़ा प्रभाव है, वो आपके पास में रहेगी तो आपको दुख भी नहीं होगा और आपको दरिद्रता भी नहीं होगी। अवश्य चली अबन राम जहां, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त समहि तुम अवलंबन दीन। सब लोग कहे कि जरूर जंगल चलना चाहिए, मन को
चलना चाहिए। अब भरत का ऐसा मंत्र सबको अच्छा लगा और शोक सिंधु बूढ़ समय शोक रूपी समुद्र में सब डूब रहे थे और भरत सहारा सबके लिए हो गए। उभा सबके मन मोदन थोरा जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा चलत प्रात लखिनि रणनी के भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भा सबके मन मोदन थोड़ा सबके मन में थोड़ा प्रसन्नता नहीं बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई और जन घन धुनि सुनि चातक मोरा जिस प्रकार से बादल की आवाज सुनकर के चातक और मोर प्रसन्न होते हैं और चलत प्रात लख निर्णय के ऐसा निश्चित ही निर्णय किए कि प्रात हम लोग सुबह होगा ऐसा देख करके चलेंगे और भरत प्राण पी भे सभी के और भरत इसमें सबके प्राण के जैसे पियो हो गए। तमुनि बंदी भरत ही सिर नाई चले सकल घर विदा कराई अपने अपने घर शाम के समय रहा होगा। और धन्य भरत जीवन जग माही सील स्नेह सराहत जाही। सब लोग यही अपना भरत की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। और कहीं परस पर भाबर काजू सकल चले कर साजहु साजू। सब लोग कहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और चलिए सब लोग चलने के लिए कुछ तैयारी करें। अजय ही राख ही घर रही रखवारी सो जान जनु गर्दन मारी। जिसको कहते हैं कि आप घर पर रहेंगे घर की देख रेख करेंगे उसको लग रहा है कि मेरा गला काट रहे हैं गर्दन मेरा काट रहे हैं। अब को कह रहा न कही जानी काहू को न चह जग जीवन लाहू। कोई कहता है कि क्यों किसी को रोक रहे हैं आप लोग। अब कौन नहीं चाहता है अपने जीवन का लाभ। अब के ही न भाव लक्ष्मण सिय रामू सबको प्रिय ही सदा सकामू। कोई कहता है आपको तो प्रिय है और सबको इच्छा है सकाम मतलब सबको इच्छा है देखने का दर्शन का इच्छा। तो जरे सुसंपत्ति सदन सुख कहते हैं सब संपत्ति और घर जर जाए भस्म हो जाए। सुहृद मातु पितु भाई और माता पिता और प्रेमी अपने वे भी जल जाए भस्म हो जाए। क्यों किसान मुख हो तजो राम पद करे न सहज उपा सहाय। सहज सहाय का होना चाहिए सारी है। तो भगवान के राम के सन्मुख राम के तरफ अगर जाना चाहता है व्यक्ति तो जो हजारों प्रकार से मदद नहीं कर देते हैं उसकी बल्कि वे ऐसे सब जल जाए वो संपत्ति जल जाए वो घर जल जाए वो ऐसे माता पिता और भाई जल जाए और ऐसे मित्र भी जल जाए नष्ट हो जाए। तो घर घर वाहन साज ही नाना हर सित प्रभात पयाना। और भरत जाय घर की न बिचारू नगर बाजी गज भवन भंडारू। ठीक ये अयोध्या का नगर हाथी घोड़ा और घर भंडार जो संपत्ति है संपत्ति सब रघुपति की आही अजो बिनु यतन चलो सजिताही। ये सब संपदा भगवान राम की है। इसका मतलब नहीं है कि इसको असुरक्षित करके हम यहाँ से चल रहे हैं। भगवान राम की है तो इसकी सुरक्षा करके तब हम यहाँ से चले। अब तो परिणाम नमोरी भलाई पापी शिरोमणि स्वामी दुहाई। तब तो मैं पापियों का बिल्कुल जो है सिरताज बन जाऊंगा सबसे बड़ा पापी मैं ही बन जाऊंगा अगर ऐसा करता हूँ तो बिना यत्न किए और इसकी सुरक्षा किएगा जाता हूँ तो कर ही स्वामी हित सेवक सोई। सेवक तो वही है जो स्वामी का हित करे। और दूसन कोटि दे कि न कोई चाहे कोई बहुत दोख दे करोड़ों
अवस विचार सुति सेवक बोले, जो सपने हुनि ज धर्म न डोले। ऐसे पवित्र सेवकों को बुलाए जो सपने में भी अपने धर्म से विचलित नहीं होने वाले थे, ऐसे सेवकों को बुला करके। अब कही सब मरम धर्म सब भाखा, अजो जे ही लायक सोते ही राखा। सारी बात बताए, सब मरम और धर्म सब सिखाए उन लोगों को, और जो जिसके योग्य था उसको बताए कि आप यह देखेंगे, आप यह देखेंगे, आप यह देखेंगे। अब करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पह भरत सिधारे। ये व्यवस्था करके जाते हैं माता कौशल्या के पास। अवारत जननी जानी सब भरत सने सुजान। भरत आर्त हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और ऐसा इनका स्नेह है और सुंदर ज्ञानी है भरत। अब कहे वो फजावन पाल की भजन सुखा सनयान। पालकी के लिए बोले कि माताएं पालकी से चलाएं, उसको भी सजाया जाए। और चक चक पुर नर नारी चलब प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसि भये मिहाना, भरत बुलाए सचैव सुजाना। चकई चकवा की तरह सब नर नारी जाग रहे हैं रात भर, और सुबह हो गया और भरत सबको बुलाए मंत्री को। अब कहु ले हु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम हि राजू। अरे महाराज, तिलक में जो व्यवस्था साथ समाज की होती है उसे सब आप साथ में ले लीजिए, अब मैं वही जंगल में उनको तिलक कर दूंगा। अब बेगी अब ऐसा है कि भरत तो कर सकते हैं, पिताजी राज्य दिए भरत को, अब राज्य भरत का है, अब भरत किसी को दे सकते हैं तो अधिकार है। तो कहुले हु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम हि राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। नाम सवारे लिखते हैं नाग, नाग माने हाथी, रथ और ना तुरा तुरा कहते हैं घोड़ा को, रथ घोड़ा रथ और हाथी सवारे जाए, नाग हुआ चाहिए। नाग अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। वशिष्ठ और अरुंधति यहाँ वशिष्ठ के लिए आता है अग्नि समाऊ शब्द, अग्नि अग्नि के समान, अग्नि के समान तेज। वशिष्ठ के भीतर से नाम इनका अग्नि समाऊ भी है। वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति रथ पर चढ़ करके चले। अभी प्रबिंद चढ़ी माहन नाना, और ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़ करके चले चले। सकल तप तेज निधाना, सब तपस्या इतना लंबी थी कि सब तेज के निधान लग रहे हैं ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण साथ में जा रहे हैं। नगर लोग सब सज सजिया, नगर लोग सब सज सजियाना, चित्रकूट कहके न पयाना। चित्रकूट के लिए सब प्रस्थान कर दिए। अशिविका सुभग न जाय बखानी, चढ़ चढ़ी चलत भई सबरानी। शिविका वही पालकी। असौपी नगर सुचि से वकनी, सादर समही चलाय। सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। अब उस जो सेवक हैं नगर सब उनको सौंप दिए सुरक्षा के लिए, और सबको आदेश दिए, सब चल दिए। और इसके बाद तब सीताराम के चरणों में सिर झुका करके भरत दोनों भाई और शत्रुघ्न चलते हैं। तो राम दर सहित सब नर नारी, जनु करी करी न चले तकी बारी। राम के दर्शन के लिए सब नर नारी उसके पास जा रहे, जैसे हाथी और उसकी मादा हाथी,
से प्यासे हैं और जल की तलाश में जा रहे हों। अबन सी राम समुधि मन माही सानुज भरत पया दे जाही। सबको तो बैठा दिए लेकिन भरत और शत्रु में पैदल जा रहे हैं कि जंगल में राम जा रहे हैं ऐसे ही तो हम लोग तो ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग ऐसे चलेंगे। अब देखी सने हलो गए अनुरागे उतरी चले है गज रथ त्यागे। तो इन सबको देखे सब पैदल चलते तो सब अपना सब छोड़ दिए जाई समीप राख निज डोली राम माँ तुम दुमानी बोली। तो पास में जा करके कौशल्या जी कहती है भरत से तात चढ़ो रथ बलि महतारी हो ही प्रिय परिवार सुखारी। कहते हैं सरे हाँ दुखारी अब नहीं तो ऐसे सब दुखी होंगे कि तुम्हारे चलत चल ही सब लोग सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। सब कमजोर हो गए हैं दुख से और चलने के योग्य पैदल नहीं है, इसलिए आप ऐसा करिए कि रथ से चलिए। फिर धरी बचन चरण सिरन आई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। सब चल दिए तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमति तीर निवासु। वो प्रथम बात तमसा वो लोग किए हैं दूसरी गोमती वैसे ये भी जा रहे हैं। अब आहार फल असनई निसी भोजन सब लोग यही दूध उध पीते थे फल खाते थे इस प्रकार से यही भोजन करते हुए। करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। और आभूषण और भोग को छोड़ करके सब भगवान के लिए व्रत अपना एक निर्वाह कर रहे हैं ऐसा करते हुए जा रहे हैं। नियम और व्रत का पालन करते हुए कुछ जा रहे हैं जिससे कि काम सफल हो जाए। तो सही तीर बस चले बिहाने सिंह बेरपुर सब निहराधे। वही सिंह बेरपुर जो केवट वही केवट का गांव सिंह बेरपुर का मतलब केवट का समाचार सब सुने सादा हृदय विचार कर सब सादा। वो सारी बात सुना समाचार तो कारण कौन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। हाँ तो सोचे कि निषाद की एक कपट भाव इनको इनके मन में है क्यों कि जाओ पैजी न होती कुटिलाई। अगर एक कुटिलता हृदय न होती तो कतली न संग कटकाई। एक काफी सेना भी जा रही है दूर से देख रहा है तो ये सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं। भरत को बड़ा प्रेम है तो भरत जाते ऐसा उत्तर कर रहा है अभी मन में। अब जान ही सानुज राम ही मारी करो अकंटक राज सुखारी। कैसे नाले करके जा रहे हैं और राम लक्ष्मण को वहाँ मारने का व्यवस्था बना करके और अकंटक राज करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। भरत न राजनीति उरयानी। भरत राजनीति अपने हृदय में नहीं जानते नहीं ले आए। अब तब कलंक अब जीवन हानि। अभी तो उनको कलंक ही लगा था अब इनकी मृत्यु भी है वहाँ जा रहे हैं ये राजनीति नहीं जानते हैं। तो सकल असुरा असुर जुरहिं जुझारा सब असुर और असुर अगर युद्ध करें तो राम ही समर न जीतन हारा। क्योंकि राम के पास जाएंगे भरत तो सब देवता और दानव अगर मिल करके भी युद्ध एक साथ में करें तो राम को जीत नहीं सकते हैं तो जीवन की हानि इनके होगी ऐसा है कुछ इनका गलत है ये तर्क कर रहे हैं निषाद। तो काया चरज भरत करही नहीं दिस बेल यमिया फल फरही। और निषाद से सोचा कि ये आश्चर्य की क्या बात है भरत ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो जिस बेल में जिस लता में विष का फल फल में विष लगता है
विष जैसा फल होता है, तो ये जो है कभी अच्छा फल उसमें हो सकता है, अमृत का फल हो सकता है, तो क्योंकि कहके ही के लिए तो अस विचारी गुह ज्ञाति सन। और कहे उस जग सब हो हुआ, अपने जनों को बोला कि सब लोग तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्या करिए कि हथवा सहु वो रहु तरनी, ये जो खेने वाली होती है व्यवस्था उसको और नौकाओं को डुबा दो, अच्छा पानी में बोर दो जिससे कि दिखाई न पड़े और ये लोग बिना साधन के हो जाए, उस पार जाने का कोई साधन ही न रहे, व्यवस्था सोच के बना रहे। एक बात तो पहले ऐसे करिए आप लोग, अब कीजिए घाटारोह और मार्ग रोक दो, मार्ग रोक दो, रास्ते में भी कुछ विघ्न डालो, रास्ता बंद कर दो। ऐसे सोच के अपने से आगे करने का प्लान भी प्लान कर रहा है। बढ़िया। अहो फजग सब रोको घाटा, और तैयार होकर के यह घाट नहीं सब घाटों पर जा करके, यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ से उतर जाएंगे, इसलिए सब घाटों पर व्यवस्था कर डालो और रोको। अठाटा हो सकल मरण के ठाटा, और सब लोग मृत्यु मान लो कि मृत्यु ही होगी क्योंकि भरत हैं तो मर जाएंगे तो क्या, लेकिन काम अपना करेंगे हम लोग। असम्मुख लो भरत सन ले हूँ, इनसे युद्ध करूंगा सम्मुख होकर के। जियत न सुर सरी उतर न दे, जीते जी उसको उतरने नहीं देंगे, अपार नहीं होने देंगे। समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, और बता रहा है सबको समझा रहा है कि समर में युद्ध में मृत्यु होगी और वो अभी गंगा के किनारे। और राम काज क्षण भंग शरीरा, यह शरीर तो क्षण भंगुर है, आज नहीं कल मर तो जाना ही है। अब हमारे राम के कार्य में ये शरीर छूटेगी, ये सब फायदा भी होगा सब तुमको, एक तो युद्ध में मृत्यु होगी तो वीर गति को प्राप्त होगे, ऐसा होता है वो भी अच्छा है। गंगा के किनारे मरोगे तो और भी अच्छा, अच्छा है, है। और राम के कार्य में मरोगे और अच्छा है। तो भरत भाई नृपमय जननी चू, और भगवान राम के भाई हैं भरत, उनके हाथ से मृत्यु होगी तो वो भी अच्छी अच्छी होगी। और मैं तो एक नीच व्यक्ति, हम लोग मल्लाह केवट की जाति, बड़े भाग्य से पाई अमीचू, बड़े भाग्य से यह ऐसी मृत्यु, नीच माने मृत्यु, ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलेगी। तो स्वामी का जे करी हूँ रनरारी, ले हाँ सुयस भुवन दसचारी, ये मालिक के कार्य के लिए हम लोग ये सब कार्य करेंगे और चौदह भुवन में यश होगा। अब तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुदमोद कमोरे। भगवान के लिए शरीर छोड़ूंगा, तो दोनों प्रकार से लाभ ही होगा, मोदक दोनों हाथ में, चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू लड्डू। तो साधु समाज न जाकर लेखा, कहते हैं साधु के समाज में जिसका कहीं नाम न लिया जाए, साधुओं का समाज होता है तो वहाँ जिस व्यक्ति का कहीं साधु समाज में भी नाम न लिया जाए। और राम भक्त महजासु नरेखा, और राम के भक्तों में भी गिनती न की जाए। तो जाय जियत जग सोम ही भारू, अजननी जीवन बिटप कुठारू। और वह जो है भार है धरती का जीते हुए, और अपने माता के लिए, तो माता अगर पेड़ है तो वह कुल्हाड़ी है काटने के लिए, वह व्यर्थ ही उसको पैदा किया। किसको, जिसका साधु समाज में नाम न हो और राम भक्तों में भी गिनती करना न हो। तो विगत विषाद निषाद पुण्य सब ही बढ़ा उछाह, इस प्रकार से वह शोक छोड़ करके, विगत विषाद, विषाद उसको नहीं है, शोक छोड़ करके एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो करके सबका उत्साह बढ़ा करके, सुमेरी राम मांगे वो तुरंत, राम को स्मरण किया
और मांगाया क्या अपने लिए, क्या मांग रहा है उन सबसे, कितना रखा सर धनुष युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र है और वस्त्र है, युद्ध का वस्त्र और अस्त्र और शस्त्र सभी भाई सजो सजो सुनी रजाय कदरायन को। जो मैं आदेश दिया जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और कोई कायरता नहीं रखेगा मन में, भले नाथ सब कहीं सहरसा अभी कहीं एक बढ़ा वही करसा। ये बड़े प्रसन्न हुए सब सुन करके इसकी बात, और एक उसी में से एक एक व्यक्ति एक एक को जो है बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उत्साह देने लगे। और चले निषाद जुहारी जुहारी सूर सकल रन रुचे नरारी। हाँ वो सब वीर हैं और जिनको युद्ध ही प्रिय है, लिख देते हैं नौ सूर सकल रन रुचय न रारी, यही गलत है, न लिखना ही गलत है, क्योंकि उनको रुच रही है ऐसे हैं, युद्ध अच्छा उनको लगता है। असुमेरी राम पद पंकज पन ही भगवान के चरणों का स्मरण करके, और हाँ अभा था माधि चढ़ा वही धनु ही, और तरकस बांध करके अपना कोई कंधे में बांधते हैं कोई कमर में लेते हैं और धनुष को चढ़ा रहे हैं तैयार कर रहे हैं बांधने के लिए। अवागिरी पहरी कंड सिर धरही फरसा बांस से लसम करही, और पुराने अस्त्र शस्त्र हैं और कंड सिर पर रखते हैं फिर की सुरक्षा के लिए, उस समय भी था जैसे आज पीएससी वाले लगाते हैं सिर पर, और बख्तर पहन लेते हैं टोप सिर पर रख लेते हैं, फरसा बांस फरसा वही जो बांसा, और अपना वो बांस माने जो लाठी वाले हैं वो लाठी को और बर्छी की धार निकालने लगे तेवई लागे हैं। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कू नहीं गगन मन छिति छाड़े, अब एक एक तो लगे जंप करने हाँ उत्साह में युद्ध करना है, अब ऐसा धरती को छोड़ करके जंप मार रहे हैं उड़ रहे हैं जैसे आकाश में जाना चाहते हैं। और निज निज साज समाज बनाई गुहरावत ही जुहार ही जाई, अपना साथ समाज सब बना लिए और जाकर के निषाद राज से बोले कि देखी सुभट सब लायक जाने लय लय नाम सकल सन्माने, और देखा सबको तो सबका नाम ले करके सबका सम्मान किया। अब हाई हुला बहु धो खजनी आज काज बड़ मोही, वो कहा कि देखो भाई बंधुओं तुम हमारे बंधु हो भाई हो और आज कोई धोखा नहीं देगा आज बड़ा काम, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा काम है। सुन सरो बोले सुभट वीर अधीर न हो, और सब बोले कि आप वीर हैं आप अधीर मत होइए निषाद। राम प्रताप नाथ बल तोरे, भगवान राम के प्रताप से और आपके बल के बूते करी ही कटक बिनु भट बिनु घोरे, ये भरत के सेना को हम लोग बिना घोड़ा और सेना के कर देंगे, हाँ भरत भर बचेंगे, कर ही कटक बिनु भट बिनु घोरे, इतना हम लोग काम कर देंगे, सेना नहीं रहेगी और घोड़े हाथी नहीं रहेंगे। और जियत पावन ही पीछे धरही रुंड मुंड में करही, कहते हैं काट करके मुड़ी और धड़ से गर्दन और धड़ से धरती भर दूंगा हम लोग, रुंड माने गर्दन, रुंड तो हो गया शरीर मुंड हो गया ऊपर का, मेदिन कर ही माने धरती धरती पर भर दूंगा, मेदनी कहते हैं धरती। अब देखे निषाद राज भल टोलू कहे ऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू, का युद्ध का आप बाजा बजाइए अरे भरत युद्ध हो, कोई तना कहत चीक भई माए कहे ऊ शकुनी अनखे तसुहाए, कितना जब बोला वह निषाद राज
तो उसी समय बाएं तरफ कोई छींक दिया, तो उस पर विचार करने लगे सब। तो बूढ़ा एक कह सकुन बिचारी, भरत ही मिलिया न हो हिरारी। वो सकुन विचार करने वाला कोई वृद्ध था, उसको मालूम था कि बाएं छींक होती है ऐसे समय में, तो उसका परिणाम क्या होता है। तो बताया कि भरत मिलने जा रहे हैं, युद्ध युद्ध नहीं होगा, युद्ध की बात नहीं है। राम ही भरत मनावन जाही, शकुन कहे यस विग्रह नाही। ऐसा शकुन कह रहा है इसमें विग्रह की बात नहीं है, अलगाव की बात नहीं है। तो सुनि गुह कह नीक कह बूढ़ा, वन साथ कहा कि नहीं ये बूढ़ा ठीक कह रहा है। अब सहसा करी पछिताही विमूढ़ा, अब अचानक करके मूढ़ लोग पछतावा करते हैं, अचानक कुछ करना झटका से नहीं चाहिए। अब भरत स्वभाव सील बिनु पूछे बूझे, अब बड़ी ही तहानी जानी बिनु जूझे। अब पहले तो स्वभाव उनका जान लिया जाए, नहीं तो ऐसे किसी, अब नहीं तो हित की बड़ी हानि हो जाएगी अगर बिना युद्ध कर लेंगे समझे विचार को। तो गह हो घाट भट्ट सिमिटी सब, इतना करो तुम लोग यही घाट पर तुम लोग यही छिप करके रहो। सिमिट का मतलब छिप करके। अले उमर हम मिली जाए, अब कोई जाए इसमें से जाकर के भेद ले। बूझ मित्र अरि मध्य गति, मित्रता का भाव है या शत्रुता का भाव है, या मित्रता शत्रुता दोनों का मध्य गति। और तब से करब उपाय, तो जैसा भाव होगा तब वैसा उपाय करेंगे। तो लख बसने सुभाय सुहाय, अबैर प्रीति नहीं दूरत दुराय। देखना उनका स्वभाव, क्योंकि बैर और प्रीति छुपाने से चित्ती नहीं है, मालूम हो जाएगा। तो अस कही भेट सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। यही है भरत के समय वो सब आया है। अच्छा, जो वहाँ बोला था। हाँ, फल खग, हाँ, तो कंदमूल फल और खग मृग मांगे। तो यह विचार करना चाहिए, देखिए कि भरत की परीक्षा लेने के लिए निषाद जा रहा है, क्या करने के लिए, परीक्षा लेने, परीक्षा के लिए। तो कंदमूल फल इसलिए लिया कि अगर राम को मनाने जाते होंगे तो स्वभाव साधु जैसा होगा, कंदमूल फल खाएंगे। अगर स्वभाव ऐसा नहीं होगा तो खग मृग भी खा सकते हैं। जब तामसी होंगे, अमीन पीन पाठीन पुराने, इतना ही मीन पीन पाठीन में बताया था, लेकिन यहाँ खग मृग भी है। अमीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार नयाने। तो ये सब भी वहाँ वो लोग ले गए, लेकिन ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो भरत की परीक्षा लेने के लिए गया। तो जाएगा ना, अगर नहीं लग जाएगा तो पहचान कैसे होगा। जी, हाँ। इतनी सी बात है, लोग तर्क करते हैं। वहाँ नहीं ध्यान देते हैं कि क्यों जा रहा है, लेकर बहुत छुछला बा, हाँ, क्यों जा रहा है, निषाद परीक्षा लेने के लिए जा रहा है, ये ध्यान में नहीं देते हैं, सिर्फ मीन पीन पाठीन पुराने देखते हैं। तो सकल साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल शकुन शुभ पाए। और जब मिलने जाने लगे ये लोग, तो रास्ते में कुछ शगुन जो कहे गए हैं वो कुछ शगुन हो रहे हैं उन लोगों को, ऐसा हुआ। तो देखी दूर इते कही निज नामू, और भरत से दूर ही रहा तभी जो है वो लोग अपना नाम बता करके, अब कि मुनि सही दंड प्रणाम। कौन है वो? खुदा निषाद गया, मंगाया था लेकर के, स्वयं गया लेकर के, जाने वाले भी वही, तो लेकर जाने वाले भी साथ में वो कहार लोग हैं, लेकिन वो मिलने के लिए स्वयं जा रहा है। वही तो, किसी और को नहीं भेजा, नहीं। अजानी राम प्रिय दीन है असीसा, भरत ही कहे वो बुझाय मुनीसा। भगवान राम को प्रिय जान करके मुनि वशिष्ठ आशीष दिए और भरत से क्या कह रहे हैं समझा करके, कि राम सखा सुन चंदन त्यागा। वशिष्ठ जी बताए कि ये राम का मित्र है, क्या है, मित्र है। अब ऐसा जान करके चंदन त्यागा, भरत जी अपना रथ छोड़ दिए, चंदन माने रथ। अच्छा, अब चले उतरी उमगत अनुरागा। अच्छा,
गाँव जाति गुह नाम सुनाई, गुह अपना गाँव बताया और अपना नाम बताया, अब अपना जाति बताया, अब गांव बता देते हैं, नाम बता देते हैं, लेकिन नीच व्यक्ति अपना जात जल्दी नहीं बताते, पूछना पड़ता है, लेकिन वो बता दिया कौन ज्यादा है। हाँ, किन्ह जुहारी माथा महिलाई, और वह प्रणाम किया मस्तक पर शीश रख करके, अब करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय, दंडवत कर रहा था तभी ऊपर से उठा लिए, अब मन हूँ लखन सन भेट भई प्रेम न हृदय समाय। हाँ नहीं, लक्ष्मण मानो भरत को ऐसा लगा कि लक्ष्मण से ही भेंट हुई, क्योंकि राम का प्रेमी जो है वो लक्ष्मण ही है, ऐसे मिलकर लगा कि हाँ। तो भेटे वो भरत ताही अति प्रीति, अब लोक सिहाई प्रेम की रीति, अब सब सराहना कर रहे हैं, देखिए ये प्रेम की कैसी रीति है, भगवान से प्रेम करने वाले की के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, भरत जी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसी इसी पर जो है भगवान राम के प्रेम की ही हाँ करिश्मा है, करिश्मा है। तो धान्य धान्य ध्वनि मंगल मूला, उस समय आकाश में धान्य धान्य की आवाज हुई, असुर सराहित ही बरस ही फूला, अब लोक वेद सब भाति ही नीचा, जा सुचा छुई ले ही सीचा, ऐसे सब वेद और लोक सब जो है ऊपर से नीच है, और जिसकी छाया पर जाए तो लोग अपना जल छिड़कने लगते हैं। हाँ, उतने ही भरी अंक राम लघु भ्राता, और उसे पूरा शरीर से लिपट करके पेट लगा राम के भाई, और मिलत पुलक परिपूरित गाता, और राम राम कही जे जमुहाही, तिनही न पाप पुंज समुहाही। अच्छा, जे जमुहाई भी ले राम राम कहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं भरत, भरत भरत क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राम राम कह करके जो जमुहाई लेता है उसको जरा सा भी पाप वहाँ उसके पास जाते नहीं है। तो यही तो राम लाई उरलीना, राम का नाम कहने से जमुहाई में भी अगर कहा जाता है तो पाप पुण्य पाप पुंज नहीं जाते हैं, और इसको तो राम खुद हृदय से लगाए थे। तो कुल समेत जग पावन कीन्हा, अपने पूरे कुल समेत अच्छा राम जी भी लगाए थे। हाँ, पवित्र किया। हाँ, तो कर्म नाश जल सुरसरी परई, कर्म नाशा का जल भी अगर सुरसरी में चला जाता है गंगा में तो ते ही को कहा उसी सनहि धरई, कर्म नाशा का जल अशुद्ध है लेकिन अगर गंगा जी मिल जाता है तो उसको भी उठा करके सब चीज पर रखते हैं, इसलिए राम से मिल चुका है, इसलिए भेटने के योग्य है। तो उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जिसका नाम ही उल्टा, नाम को उल्टा जप किया गया, कौन किया, वाल्मीकि, और वे ब्रह्म के समान हो गए। तो सुपत सबर खस यवन जड़, पामर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। चंडाल भील मलेच्छ नीच जातियां जो थी हैं कोल किरात, वे सब राम राम कहते ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनका नाम कहने पर। और नहीं आचरज नहीं आ नहीं अचरज युग युग चली आई, अब कही न दीन रघुबीर बड़ाई, ये तो जुग जुग में ही चला आ रहा है कि राम के द्वारा किसको बड़ाई नहीं मिल गई, चाहे वो नीच कितना हो। राम नाम महिमा सुर करही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लही, राम नाम की महिमा देवता लोग अपना बोल रहे हैं, अब सुन करके जो अयोध्यावासी ये लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कि राम सखहि मिलि भरत स प्रेमा, पूछहि कुशल सुमंगल क्षेमा, राम सखा निषाद से मिलकर के भरत प्रेम से कुशल और मंगल पूछ रहे हैं। कि देखि भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। हाँ, तो सकुचि सनेह मोद मन बाढ़ा, असंकोच में स्नेह से
प्रसन्नता से मन मन में ये सब बातें बढ़ गई, संकोच भी बढ़ गया, स्नेह हम और प्रसन्नता। भरत हंसी तब तई कट कठाहा, भरत को एक तक देख रहा है खड़ा होकर के। तो धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम कहत कर जोरी। फिर धीरज रख करके और चरण की वंदना करके और प्रेम से कह रहा है हाथ जोड़ करके कि कुशल मूल पद पंकज देखे, मैं तिहुं काल कुशल निज लेखे। कुफल तो है भरत जी भगवान राम के चरणों को देखने में ही, और मैं तो अभी समय तीनों काल में ही कुशल से हूँ। अब मेरा तीनों काल कुशल से है। तो समझी मो हाँ अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। लेकिन अब उसमें और विशेषता हो गई, आपकी कृपा भरत जी, आपकी कृपा एक विशेषता हो गई। असहित कोटि कुल मंगल मोरे, अब तो जो है करोड़ों कुल समेत मेरा मंगल है आपसे मिलने के बाद। तो समुझि मोरि कर तूति कुल प्रभु महिमा जी अजोय। मेरी करतूत और कुल की बात अगर ध्यान दें, लोग को जान करके मेरी करतूत मैं क्या किया और प्रभु की महिमा कितनी बड़ी है, तो जो न भजई रघुवीर पद, और जो भगवान के चरणों को न भजे तो जग विधि वंचित होए, तो वह संसार में ब्रह्मा के द्वारा ठगा जा रहा है, ब्रह्मा उसको फायदा नहीं लेने दे रहे हैं। तो कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। एक कपटी भी हूँ, कायर भी हूँ, कुमति वाला हूँ, कुजाति वाला भी हूँ, और लोक से और वेद से सब प्रकार से मैं बाहर रहने वाला हूँ। राम के नयापन जब ही थे, और राम जब से मुझे अपना बना लिए। अब भय भुवन भूषण तब ही थे, अब मैं तो अब चौदह भुवन का आभूषण हो गया हूँ। अब देखी प्रीति सुन बिनय सुहाई, मिले बहोरी लखन लघु भाई। तो लक्ष्मण से मिला, अब कहन साधन निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। और सब रानियों को प्रणाम किया, जानी लखन समदे ही असीसा, जियहु सुखी सतलाख बरीसा। अब निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। निषाद को देख करके ही सब लखन, हाँ। अब कहाँ ही लहेउ यह जीवन लाहू, भेटेउ राम भाई भरि बाहू। अरे सब कह रहे हैं कि जब राम के भाई भरत ही लपेट करके इनको भेटे तो इनके जीवन का सब कुछ लह गया। तो सुन निषाद निज भाग्य बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले लिवाई। हम लेकर के चल दिया। तो सनकारे सेवक सकल, और इशारा कर दिया अपने सेवकों को कि चले स्वामी रुख पाए, जो सांस में गए थे ले करके। और घर तरुअर सर्वागमन, बास मनाए उजाए। अब देखिए जो मीन तीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने, कहा था ना, वो यहाँ था, इधर था। लेकिन अभी वो लेकर के गया है, यहाँ तक सिर्फ बत कही कर रहा है, दंड प्रणाम कर रहा है, लेकिन कोई खाया नहीं है। ठीक, तो वो लोग जब सेवक चले साथ में तो सबको इशारा किया कि चल करके व्यवस्था रहने की करो। तो वो लोग घर तरुअर सर बागबन बास बनाए जाए, वहाँ घर में भी पेड़ के नीचे, उस मल्लाह के घर में कितना जगह होगा, बहुत लोग गए हैं, तो कुछ वृक्ष के नीचे, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ नदी के आसपास में सब स्थान बना गए, सब सब लोग बैठे हैं। तो श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, श्रृंगवेरपुर में जब भरत पहुँचे और देखे तो भेसने हब अंग शिथिल तब।
तो इनके अंग शिथिल हो गए प्रेम बस किसोहत दिए निशा नहीं लागू अजन तनु धरे बिनय अनुरागू। तो निषाद के साथ भरत किस प्रकार से शोभा पा रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे एक विनय है और एक अनुराग। हाँ भरत प्रेम होंगे विनय निषाद है किस प्रकार से शोभा पा रहे हैं। यही विधि भरत सेन सब संगा दीख जाय जग पावन गंगा। पहुंच गए गंगा जी के किनारे और गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं भरत। तो राम घाट कह किन्ह प्रणामा भामन मुदित मिले जनु रामा। जान हुआ राम स्नान किए हैं वहां जाते हैं प्रणाम करते हैं और लगा मन को कि से राम ही मिले गए हो। अब कर ही प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। ऐसे ब्रह्ममय जल का दर्शन करके सब नर नारी प्रसन्न हुए। अब करिमा जन मांग ही कर जोरी स्नान करके हाथ जोड़ करके वरदान मांगते हैं कि राम चंद्र पद प्रीति न थोरी कि भगवान राम के चरणों में प्रेम कम न हो। और यही विधि मा जन भरत करी गुरु अनुशासन पाए। भरत भी आदेश पा करके स्नान किए और माँ तू नहानी जानी सब डेरा चले लिवाय। स्नान करके सब लोग फिर डेरा लेकर के अपना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ लोगन डेरा किन्हा और भरत शोध सब ही कर लीन्हा। वहीं रुक रहे हैं अपना अपना डेरा कहीं रख रहे हैं लेकिन भरत सबको देख रहे हैं कोई कौन कहाँ रुक रहा है कौन कहाँ रुक रहा है। और गुरु सेवा करिया सुपाई राम मातु पहगे दो भाई। गुरु की सेवा करके और माताओं से आदेश लेकर के कौशल्या माता के पास गए दोनों भाई। तो चापी पाव कही कही मृदुमानी जननी सकल भरत सनमानी। पैर दबा करके नीचे वाणी बोले कि भाई सौ पी मातु सेवकाई आप निषाद नहीं लीन बुलाई। अब भरत जी माताओं की सेवा शत्रुघ्न को सौंप करके और निषाद को बुलाए। चले सखा कर सो कर जोरे चले सखा कर सो कर जोरे हाथ पकड़ करके कर सो और हाथ जोड़ करके हाथ पकड़े भी किसी प्रकार से हैं और हाथ भी जोड़े हैं। और शिथिल शरीर स्नेहन थोरे शरीर शिथिल है और स्नेह बहुत है। अब पूछत सका सुठाव दिखाओ दखा से पूछते हैं कि वह स्थान दिखाओ कौन थोड़ा स्थान कि ने कुनयन मन जरा नहीं जुड़ाऊ जिससे मैं देख करके अपने मन की जलन को ठंडा कर लूं। तो जहां श्री राम लखन सोए अब कहत भरे जल लो चन कोए। कहाँ राम लक्ष्मण सीता कहाँ राम सीता सोए थे ऐसा जो है कहा पूछ रहे हैं और नेत्रों में जल है। और भरत बचन सुनि भय विषादु और तुरंत तहां लय गए निषादु। वही तो सोने पर वो दुखी था तो तमाम बातें बोल रहा था अब उसको पुनः याद हो गया भरत बचन सुनि भय विषादु पुनः याद हो गया। तो जहाँ से सुपा पुनीत तरु रघुबर की अभी विश्राम। पेड़ के नीचे शीशम का पेड़ था सुपा कहते हैं शीशम के वृक्ष को। अच्छा अवत सने सादर भरत किन्ह दंड प्रणाम। उस स्थान को भरत जी दंड और प्रणाम किए। कुश साथ हरी निहारी सुहाई वो वही छोड़ करके चले गए थे कुश को साथ में अच्छा लेकर जाना नहीं है पाथरी पड़ी है वही अकेन प्रणाम प्रदक्षिण लाई जा करके उसकी परिक्रमा किए और प्रणाम किए। और चरण अरे खरज आखिन लाई वहाँ चरण की रेखाएं भी धूल में पड़ी हैं और अपने नेत्रों से उनको देखे
बनाए न कहत प्रीति अधिकाई। और क्या वहाँ कुछ छूटा है कि कनक बिंदु दुई चारी का देखे। हाँ तो वहाँ चटाई में सोने को जैसे इतने बारीक आभूषण बनाए गए हैं कि दो चार उस आभूषणों में से सोने के कुछ छोटे छोटे कण जो कि अलंकृत किए गए हैं वो टूट करके फंस करके कुछ साथरी में वही टूट करके गिर गए थे सीता जी के आभूषण से। तो कनक बिंदु दुई चारी के देखे दुई चार देखे और आखे शीस सीय समलेखे। उनको उठा करके भरत जी अपने शीश पर रख लेते हैं। और फजल बिलोचन हृदय गलानी और कहत सखासन बचन सुबानी। देखिए क्या कहते हैं कि श्री हत सी अबिरह दुतिहीना। वो बताए भरत जी कि देखो जे मैं उठाया इनको जो कनक बिंदु है ये श्रीहत हो गए हैं इनमें अब पहले जैसा तेज है नहीं है। क्यों नहीं है यथा यवधन और नारी मलीना। ये सीता से दूर हो जाने के बाद ये भी धूमिल हो गए क्योंकि टूट करके यही गिर गए हैं। तो ये इस प्रकार से धूमिल हो गए हैं जिस प्रकार से नगर के नर नारी दिख रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी कल्पना है कवि की कहिए कितना बड़ा यहाँ व्यवस्था लिखा जा रहा है कि जड़ हो चेतन हो उसको दुख सुख हो जाए ठीक है। एक बिल्कुल जड़ और जड़ नहीं जड़ का कौन वो भी मलिन हो गया दूर हो जाने की वजह से हो गया है। तो पिता जनक देव पट तर के ही कर तल भोग जोग जग जे ही। पिता इनके सीता जी के जनक जी हैं किससे बराबरी दूं भरत जी कहते हैं और जिनके हाथ में ही भोग और जोग दोनों है। और ससुर भानुकुल भानु भुआलू और ससुर इनके भानुकुल के राजा हैं दशरथ जी। और जिही जिही ससुर भानुकुल भानु भुआलू जिही सिहात अमरावती पालू। और जिसको देकर के सिहाते हैं अमरावती माने इंद्र के इंद्र को कहते हैं वहाँ का राजा है वो भी स्वर्ग का राजा। अप्राणनाथ रघुनाथ गुसाई अब इनके जो है पति भगवान राम है। और जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। अगर कोई बड़ा भी यहाँ किसी माने में होता है तो राम के द्वारा ही बड़ा किया जाता है ऐसे इनके पति हैं। अब पति देवता सुती अमनि असी असाथरी देखी। पतिव्रता स्त्रियों में श्री उमर सीता जी और उनकी ये जो साथरी है जिस पर सोई हैं। अब विदरत हृदय न हरि करी अब ये साथरी देख करके हृदय फट नहीं रहा है। अब पवित्र कठिन अभिषेक ये हृदय वज्र से भी कठोर है भरत ऐसा कहते हैं। कि लाल न जोग लखन लघु लोने भे न भाई अस अहई न होने। प्यार करने के योग्य तो यही लक्ष्मण भाई थे राम के ऐसा भाई न कोई है न कोई होने वाला है। भे न भाई यस अहै न होने न कोई था न कोई है न कोई होने वाला है। तो पूरा जन प्रिय पितु मातु दुलारे असिय रघुबीर ही प्राण पियारे। ये पूर्वजन प्रियजन माता पिता के लिए भी दुलारा था अच्छा था और पिता राम के लिए भी प्राणों से बढ़कर के प्रिय है। लक्ष्मण तुम मृदु मूरति सुकुमार सुभाउ सात बात तन लागन काऊ। ये जो है मनोहर मूर्ति सुकुमार स्वभाव और सात बात तन लागन काऊ और पिता की बात इनके शरीर में कुछ भी लगी नहीं। अतेवन सहि विपिन विपति सब भांति अनिदर एकोटि कुलिसय हसाति। ऐसे राम जंगल में विपत्ति भोग रहे हैं जिनको जिनकी मृद मूर्ति है मनोहर मूर्ति है मुलायम और सुकुमार स्वभाव है और ऐसे
पिता की बात भी इनको कुछ लगी नहीं, ते बन सहन विपिन विपत्ति सब भांति। सीता जी के लिए ही, हाँ सीता जी के लिए ही नहीं होना चाहिए। सीता जी के लिए ही है, ऐसे जंगल के वन के विपत्ति को सह रही हैं। इस छाती तो छाती ने तो कोटि वज्रों का भी तिरस्कार किया, अनादर कर रहा है, इतना कठोर है। अपने हृदय को बताते हैं ये विपत्ति है सीता जी की। और राम जन्म जग किन उजागर, अब भगवान राम को पैदा होकर के संसार को प्रकाशित किया, उजागर किया। और उपसील सुख सब गुण आगर, रूपशील और सुख और सब उनके आगर हैं। अब पूरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। पूर्वजन के लिए, परिजन के लिए, गुरु पिता माता के लिए राम का स्वभाव सबके लिए सुखदायक है। अब अरे राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। बैरी भी राम की बड़ाई करते हैं, इनकी इनका बोलना मिलना और विनय ये मन को हरण करने वाला है। अफरद कोटि सारद कोटि कोटि सत शेषा, एक एक करोड़ शारदा और शेष हो, और करी न सकहिं प्रभु गुण गण लेखा। असुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, तेसोवत कुफदासी मही विधि गति अति बलवान। सुख के स्वरूप हैं ऐसे भगवान राम, मंगल और मोद के निधान हैं। ते ही कुश साधरी पर सो रहे हैं, ब्रह्मा की गति बड़ी बलवान है। तो राम सुना दुख कानन काऊ, और जीवन तरु जिमि जुगवत राऊ। भगवान राम कभी दुख का नाम सुना ही नहीं था, और आजा भी उनकी उनको जीवन तरु वही संजीवनी जड़ी की सुरक्षा जिस प्रकार से की जाती है, उस प्रकार से राजा इनकी सुरक्षा करते रहे। अपलक नयन फनी मनी जे ही भांति, पलक के लिए नयन और सर्प के लिए मणि जिस प्रकार से। अजुग वही जननी सका सकल दिन राति, माताएं भी इनको दिन रात इसी प्रकार से इनकी सुरक्षा करती थी, देख रेख करती थी। अते अब फिरत बिपिन पद चारी, कंदमूल फलमू फूल आहारी। अब वे अब जंगल में घूम रहे हैं, कंद मूल फल फूल आहारी होकर के, कंद मूल फल और फूल ही खा रहे हैं और जंगल में घूम रहे हैं। अधिक कह कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। विपरीत हो गई जो प्राणों के लिए प्रिय हैं, इनसे विपरीत हो गई। अमय अधिक अधिक उदधि अभागी, सब उत्पात भय उजे ही लागी। हमें तो बहुत बहुत धिक्कार है, कैके के लिए एक अधिक है और इनके लिए धिक धिक। अकुल कलंक कर सृजे विधाता, हमें तो कुल का कलंक ही करके रचे थे ब्रह्मा। असाई द्रोह मोहि किन्ह कुमाता, और जिससे कुमाता ने मुझे मालिक का द्रोही बना दिया। असुनि सप्रेम समझाव निषादा, नाथ करिए कतवादी विषादा। इतना जब भरत जी कहते हैं तो समझा रहा निषाद, कहता है आप विषाद व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों विषाद व्यर्थ कर रहे हैं? कि राम तुम है प्रिय, तुम प्रिय राम है। अयह निर्दोष दोष विधि माम है। यह दोष तो ब्रह्मा की गलती है, उनका उल्टापन है, और राम को आप प्रिय हैं और आपको राम प्रिय हैं। ठीक, विधि माम की करनी कठिन जेही मातु किन्ही बावरी। कहते हैं कि यह विधाता बाम की ही, बाम होने की ही करनी कठिन है, जिससे कि माता को बावरी बना दी। पहले विधाता बाम होकर के कौन सा कार्य किए कि माता को बावरी बना दिए, पागल बना दिए, कमबुद्धि बना दिए।
अति ही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी। अब उस रात बार बार प्रभु आपकी सराहना ही हमसे कर रहे थे, किस रात जिस रात यहाँ सोए थे। तो तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहता सो है किए। कहते हैं तुलसीदास जी कि हे भरत, तुम्हारे समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है, और यह मैं सौगंध कर कहता हूँ कि परिणाम मंगल जानी अपने कानिए धीरज ही ए। परिणाम में भलाई ही है यह जान करके आप अपने मन में धीरज रखें, ऐसा निषाद भरत जी से बोला। तो अंतरयामी राम असकुच सप्रेम कृपा यतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़या निमन। और तब कहा भरत को समझा करके कि अब चलिए विश्राम करिए। भगवान राम अंतर्यामी है, जो कुछ आपके अंदर है वो सब जानने वाले हैं, ऐसा जान करके चलिए विश्राम करिए। सखा वचन सुनी उधर धीरा बास चले सुमिरत रघुवीरा। उस मित्र की वाणी सुन करके हृदय में धीर रख करके और जहाँ सोना है आराम करना है वहाँ चल दी, और भगवान राम का स्मरण करते हुए। तो यह सुधि पाय नगर नर नारी चले बिलोकन आरत भारी। सब देखने चले कि भरत कहाँ जा रहे हैं। तो प्रदक्षिणा करी करहि प्रणामा देहि कै कहि खोरि निकामा। नगर के नर नारी प्रदक्षिणा करके वही जो वहाँ सोए थे वही प्रदक्षिणा कर रहे, जहाँ राम को बताया था वह, अब वहाँ नर नारी गए वहाँ प्रदक्षिणा करके और कैकेयी को दोष दे रहे हैं। जो भरत दे करके गए वही देखने ये लोग गए। तो ये कसरा ही भरत सने हो को कहनरी पहि निबाहे उने हो। अब निदर ही आप सरा ही सरा ही निषाद ही को कहि सक ही विमोह विषाद ही। अब वही आपस में देख करके कोई अपनी जो है निंदा ही आप अपनी निंदा करते हैं और निषाद की सराहना करते हैं, और ऐसा मोह का विषाद है कौन कह सकता है कितना मोह का विषाद है। तो यही विधि राति लोग सब जागा भाव अनुसार गुदारा लागा। गुदारा क्या लगा? उतरने लगे सब उस पार, सुबह हुआ सब उतरने लगे। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब माँ तू चढ़ाई। सुंदर नाव पर गुरु वशिष्ठ को चढ़ा करके और नई नौकाओं पर माताओं को बैठा करके। दंडचारी महभे सब पारा उतरी भरत सब सब समय समारा। चारी दंड में दंड समय दंड पल पल दंड पल घड़ी 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 तो पड़ा है दंड वही घंटा काफी से समाज था वो होता है 45 गुना 90 गुना 180 तीन घंटा पत्री का 18 मिनट 180 मिनट तीन घंटे में उतर ही भरत तब सब ही संहारा। वहाँ पार होकर के सब भरत सबको संहारे इकट्ठा होकर के वही खड़े हैं। अब प्रात क्रिया करिमा तू पद बंदी गुरु ही सिर नाय। प्रातः काल ही है, प्रातः काल की क्रिया करने के बाद और गुरु की वंदना करके उनको शीश नवाए
अवागे किए निषाद गण। और कुछ निषाद केवट वहाँ है पास में, उन सबको आगे करके अब किन है वो कटक का चलाए, इसलिए कि ये लोग रास्ता जानते हैं आगे आगे चलेंगे तो आगे करके और चल देते हैं। तो किए ये निषाद नाथ अगुवाई, मात उपाल की सकल चलाई, वही निषाद अगुवाई कर रहा है निषाद नाथ, निषादों का राजा। और माताएं माताओं की पालकी भी चल दी, साथ बुलाई भाई लघु दीना। और साथ में बुला करके माताओं के साथ क्या करता है कि अपने भाई को, छोटे भाई को दिया। अभी प्रण सहित गमन गुरु कीन्हा, नहीं भरत जी माताओं के साथ लगा देते हैं शत्रुघ्न को। और इसके बाद ब्राह्मण लोग अपना चल दिए माताओं के पीछे। अब आप सुर सर के न प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सियारामु। अब अपने भरत जी सुरसर गंगा जी को प्रणाम करके और स्मरण करते हैं लक्ष्मण राम और सीता का। अब गवने भरत पया दे पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। अर्थ पूछें के बताएगा नहीं कुछ पूछे सर इसका। तो भरत जी पैदल चल दिए और जो खवास हैं घोड़ा को का पालन करने वाले वो लगाम पकड़ करके भरत के साथ चल रहे हैं पीछे पीछे। वो राज पकड़ करके डोरी चल रहे हैं, कोतल कहते हैं वही जो खवास होते हैं। खवास इसमें क्या देते हैं अर्थ, सेवक वही बागडोर पकड़ करके सेवक वही खवास जो घोड़ा की सेवा करते हैं। कहीं सुसेवक बारह ही बारह हो नाथ सवारा, साथ में चल रहे हैं और कहना महाराज घोड़े पे बैठ जाइए। और राम पया दे पाव सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी मनाए। वो कहते हैं कि अपने तो पैदल गए हैं, हमारे लिए रथ और घोड़ा है तो सिर बल जाऊ उचित समोरा। वो पैर के बल गए हैं तो हम अगर सिर के बल होकर के जाए तब ऐसा उचित है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। अच्छा, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। सेवक का धर्म सबसे बड़ा कठोर होता है, सबसे बड़ा सेवा धर्म होता है। अच्छा, वो जल्दी नहीं बन पाता किसी से, कुछ ना कुछ बात आ जाएगी, कहीं कमी हो जाएगी। क्योंकि सेवक को सुख नहीं चाहिए, अगर सुख जरा सा भी अगर इच्छा हो गई कहीं तो सेवा से विचलित हो जाएगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, या नहीं है सेवक को सुख चाहे और सम्मान चाहे भिखारी को। भीख मांग रहा सोचे कि सम्मान से भीख मिलती जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और सेवक अगर है तो उसको सुख नहीं मिल सकता है। तो अब सुख क्या जरा सा भी परवाह न हो तब तो सेवक धर्म हो सकता है, और सुख की जरा सी भी कहीं इच्छा है तो सेवक धर्म नहीं हो पाएगा। थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा स्नान कर लें, थोड़ा भोजन कर लें, थोड़ा घूम आए कहीं कुछ इच्छा है तो कुछ भी सुख की इच्छा जहाँ हुई तहाँ सेवा धर्म खत्म। श्री बल जाऊ चित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो देखी भरत गति सुनी मृदु वाणी, ये भरत की गति देख करके और इनकी मधुर वाणी सुन करके। और सब सेवक गण करहिं गलानी, वो सेवक बेचारे जो दुख हो रहा है उनको। तो भरत तीसरे पहर कहाँ किन प्रवेश प्रयाग, तीसरे पहर में तीसरा पहर आने वाला ही है, दिन का तीसरा पहर। अब कहत राम सिया राम सिया, उमगी उमगी अनुराग। अब श्रृंगवेरपुर से ये लोग कहाँ पहुँचे, प्रयाग में, कहाँ जहाँ वो भरद्वाज जी का आश्रम होगा वो मिलेंगे, भगवान राम से भी मिले हैं उनसे भी मिलेंगे। तो झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कण जैसे। इतने में पैदल भरत चल रही है और झलका पड़ गया, कैसे लग रहा है झलका, झलका कहते हैं ना, कुछ लोग पोपला कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग झलका कहते हैं,
कुछ लोग फुटका कहते हैं, पड़ गया वही झलका पड़ गया। कैसे वो लाल लाल उनके चरण हैं, जैसे कमल के फूल हों और उतने मुलायम भी हैं, और उसमें कमल के फूल में जैसे वो सके कण झलक रहे हों, ऐसे उनके पैरों में झलका दिख रहा है। तो भरत पया नहीं आए आज, आज ही एक दिन पैदल चले हैं। अभय दुखी तो सुन सकल समाज, जो साथ में है वो लोग बड़े दुखी हुए। तो खबर लीन सब लोग अन्हाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए, और सब लोग जाकर के त्रिवेणी में स्नान किए। कहीं सुरक्षित स्थान पर वहां सबको पहुंचा करके और सबकी खबर लिए भरत, और सब लोग स्नान किए त्रिवेणी में आकर के। और सब विधि सीता सीत नीर नहाए दिए नान महेश्वर, सभी धसिता सीत नीर नहाने दिए दान महेश्वर सनमाने। सीता सीत विधि पूर्वक सीत और असीत, सीता सीत सीत और असीत, नहीं शीत से ठंडा न लीजिए, शीत से होता है सफेद। दशरथ जी के बाल जब उठा करके दर्पण देखे तो श्रवण समीप भये शीत केसा, शीत हुए तो कैसा हुए सफेद, और अशीत शीत के विपरीत सफेद का विपरीत काला ही होता है। तो वहाँ त्रिवेणी में गंगा का जल सफेद है और यमुना का जल काला है, इसलिए सीताशीत, इसलिए सविधि सब विधि पूर्वक सीताशीत वही गंगा और यमुना के जल में स्नान किए। ठीक, और दिए दान महेश्वर सन माने, और ब्राह्मणों को दान दिए। तो देखत श्यामल धवल हिलोरे, अपुलक शरीर भरत कर जोरे, ऐसे श्याम और श्वेत, देखिए आपसे देते हैं श्याम और काले और सफेद, जल के हिलोरे को देख करके भरत के शरीर पुलकित हुए और हाथ जोड़ करके सकल काम प्रद तीरथ हराऊ। भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं सब कामनाओं को देने वाले हैं हे तीर्थराज। अवेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद में विदित है और संसार में भी विदित है, यह आपका प्रभाव है, सब कामनाओं को देने वाले आप हैं। तो मांगाऊ भीख त्याग निज धर्म, आरती काहन करहि कुकर्म, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ अपना धर्म छोड़ करके। धर्म हमारा क्या है, सेवक धर्म है, सेवा करके मैं अपना जो कुछ चाह रहा था वह आपसे भीख मांग करके पूरा करना चाह रहा हूँ, चाह रहा हूँ, पड़ा है तभी तो तो आप को ऐसा जान करके कि सब कुछ देने वाले हैं और मैं अपना धर्म छोड़ करके, धर्म यहाँ छोड़ना क्या है, वही सेवा का धर्म है, और उससे विचलित होकर के मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। वहां तो कई युक्तियां हैं, अपने बुद्धि के अनुसार सब लगा देते हैं, नहीं कुछ लोग बोल देंगे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ आपसे भीख मांग रहा हूँ, राजा भीख नहीं मांगता है, बात नहीं है, सेवा का धर्म है मेरा, लेकिन उस धर्म को छोड़ करके मैं अपना ये आपसे भीख मांग रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आरत काहन करे कुकर्म, मैं आरत हूँ भगवान राम के चरणों में, स्नेह है, मैं उनको चाहता हूँ, मैं इस विषय का आरत हूँ, और आरत व्यक्ति क्या नहीं कुकर्म करता है, आरत व्यक्ति क्या नहीं सुंदर कर्म नहीं करता है, वह कुकर्म ही करता है। भूख लगी है तो चोरी कर लेगा, भूख से आर्त है तो क्या करेगा, चोरी कर लेगा। तो अफजी अजानी सुजान सुदानी, ऐसा अपने हृदय में जान करके आप सुज्ञानी हैं और सुंदर दानी भी हैं। तो सफल कर ही जग जाचक मानी, आप संसार के याचकों के वाणी को सफल करते हैं, जो मांगने वाले हैं उनके वाणी को सफल करते हैं। तो अर्थन धर मन काम रुचि,
कहते हैं हमको देखिए क्या चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए और काम में भी रुचि नहीं है, और गति न चाहो निर्वाण और मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए, वो गति भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, और मेरी मुक्ति नहीं होगी तो मेरा जन्म होगा, तो जन्म जन्म जितना जन्म होवे उसमें क्या हो कि भगवान राम के चरणों में रति हो, प्रेम हो, यह वरदान नयान, यही वरदान हमको चाहिए, दूसरा नहीं। सजान ही राम कुटिल करी मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, राम भी हमको कुटिल जाने और लोग भी हमको गुरु और मालिक का द्रोही ही समझें, तो सीता राम चरण रति मोरे, लेकिन मैं यही आपसे मांग रहा हूँ कि सीता राम के चरणों में प्रेम मेरा अनुदिन बढ़े, अनुग्रह तोरे, ये आपके कृपा से हमेशा बढ़े, यही भी हमको चाहिए। तो जलद जनम भरि सुरति विसारे, और जाचत जल पविपाहन डारे, जैसे बादल चातक की शुद्ध भूल जाए, उसको जल की बूंद चाहिए, और बादल क्या करे कि उस पर पत्थर बरसाता रहे, पत्थर बादल का क्या है ओला, जल के जगह पर ओला की बारिश करे पपीहा के लिए, लेकिन चातक रटन घटे घटी जाई, ऐसा दुख पाने पर वो चातक की ये रटन जो पानी के लिए करता है वो उसकी चाहे घट जाए, जब बादल ऐसा करने लगे तो उसकी रटन घट जाए, अब बढ़े प्रेम सब भाती भलाई। अगर चाहता कि ये रटन घट जाती है तो पपीहा का वो प्रेम जल से घट जाएगा, इसलिए तमाम कष्ट पाने के बाद भी वो उसकी रटन ही करता रहे, वही उसकी विशेषता है, वो प्रेम की विशेषता है, तो मेरा प्रेम इसी प्रकार से बढ़े, मैं यही आपसे मांग रहा हूँ, हमको कुल कष्ट ही मिलता हो जैसे इस प्रकार से। जान ही राम कुटिल करी मोही, और लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, ये सब हमको पपीहा के पत्थर जैसे चोट जैसा हमको मिले संसार का, लोग हमको कहें ऐसा ही, लेकिन ये काम मेरा घटना नहीं चाहिए। तो कनक हिमान चढ़े जिमिदाहे, अतिम प्रियतम पद प्रेम निवाहे, सोना की परीक्षा की जाती है, स्वर्ण की परीक्षा की जाती है, तो एक होता है पत्थर, उस पर उसको कसा जाता है, सोना को लेकर के उस पर घिसा जाता है, तो घिस करके देखते हैं कि सोना है कि नहीं है, तो उसको घिसना पड़ता है, जब कसा उसकी शुद्धता जाननी होती है तो उसको एक उपाय है, या तो उसको पत्थर पर घिसा जाए, वो भी उसके लिए दुख की बात है, सुवर्ण ब्राह्मण धातु है, और पत्थर पर उसको घिसेंगे तो वही घिसेगा जरूर, वो घिसता है इसी से तो मालूम होता है कि ये सोना है कि नहीं है, अच्छा, हल्का सा दबाव दे करके उसको करेंगे तो उस पर काला हो जाएगा पत्थर पर, अच्छा, तो मालूम होता है कि सोना है, और या तो उसकी परीक्षा दो प्रकार से ली जाती है, या तो उसको अग्नि में जलाया जाए, तो सोना की परीक्षा जब ली जाती है तो इस प्रकार का उसको कष्ट दे करके ही लिया जाता है, उस प्रकार से भक्त की परीक्षा भी इसी प्रकार से कष्टमय होती है, तो हमको स्वीकार है। तिम प्रियतम पद प्रेम निभाए, उसी प्रकार से प्रेमी का प्रेम अगर निभा होता है तो उसमें भी यही समस्या आती है। तो भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, ऐसी जब भरत की बात सुन करके तो बीच त्रिवेणी में, प्रयाग कहाँ कैसे है, त्रिवेणी जहाँ वो है वही सब कुछ है, वही त्रिवेणी में आवाज होती है, भय मृदु मानी सुमंगल देनी, वहाँ मृदुर आवाज हुई, मुलायम आवाज हुई, ऐसी आवाज जो सुमंगल को देने वाली है,
तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। आवाज यही हुई कि हे तात भरत आप सब प्रकार से साधु हैं और भगवान राम के चरणों में आपका अगाध अनुराग है, अपरंपार इसकी सीमा ही नहीं है, इतना बड़ा अनुराग है। तो बाद गलानी करहु मन माही, व्यर्थ ही आप अपने मन में गलानी कर रहे हैं। तुम सम राम ही प्रिय को नाही, अब क्या चाहते हो, तुम्हारे से बढ़कर के राम के लिए कोई प्रिय नहीं है। तो तन पुलके ही हरस सुनी, ऐसा आवाज सुने भरत जी तो उनका शरीर पुलकित हुआ, प्रसन्नता हुई। बेनी वचन अनुकूल, उस त्रिवेणी के वचन अपने अनुकूल हैं। अब भरत धन्य कही धन्य कही, भरत धन्य है धन्य है, ऐसा कह करके नभसुर बरस ही फूल। आकाश से देवता लोग फूल की वर्षा करते हैं। तो प्रमुदित तीरथ राज निवासी, वैखान सब टुगृही उदासी। वो तट के पर रहने वाले वही वानप्रस्थी साधु होते हैं जिसको वैखानस कहा जाता है। बटु हैं ब्राह्मण, गृही हैं जो वहाँ गांव में रहने वाले, और उदासीन मत के एक संत होते हैं वे। अच्छा। उदास भाव के होते हैं, यही मत से गए हैं। तापस भेष विशेष उदासी, तो उदास राम बन 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 ये उदासी मत का भेष था इनका। तो कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेह शील सूची साचा। ये दस पांच इकट्ठा होकर के भरत के शील और स्नेह का चर्चा कर रहे हैं। असुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहुंचाए। अब हमारे राम के कुछ गुणों को कहते सुनते भरत जी अब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आ गए। तो दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। मानो भाग्य ही भरत जी को इस प्रकार से दंड प्रणाम करते हुए देख करके भरद्वाज जी को कैसा लगा कि मेरा भाग्य ही मूर्ति धारण करके अब हमसे मिलने आ गया। भरत नहीं मेरा भाग्य। तो धाई उठाई लाई उरलीन है, दौड़ करके उठा लेते हैं, से लगा लेते हैं। दीन है आशीष कृतार्थ कीन है, अब आशीर्वाद दे करके इनको कृत अर्थ का मतलब किए हुए अर्थ का फल। क्योंकि संत उसको मिलते हैं कि पुण्य पुंज दिन मिले ही न संता, पुण्य के प्रभाव से संत मिलते हैं। तो कृत का कर्म ही है, कुछ शुभ कर्म करते हैं तो संत मिलते हैं। तो भरद्वाज जी इनको कृतार्थ दिए। तो आसन दीन नाई सिर बैठे, आशीर्वाद आसन दिए तो शीश झुका करके भरत जी वहाँ बैठे। और चहत सकुच गृह जनु भजी बैठे, संकोच खा करके वहाँ बैठ तो गए। अमुनि पूछा ही कहो यह बड़ा सोचू, बोली बोले ऋषि लखी सील संकोचू। ऐसा सील और ऐसा संकोच देख करके मुनि ऋषि भरद्वाज जी पूछे, यह बड़ा सोच है भरत जी कि इतना आपका ये संकोच। तो सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, अविधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। संकोच भरत को यही है, अभी हम संत के पास जाए और पता लगे कि भगवान राम को कोई गाली दे रहा था, हमारे परिवार का ही यही, और हम उसके भाई हैं और हम आए हैं महाराज से मिलने के लिए। तो मेरी माँ राम को जंगल निकाल दिया और हम आए मिलने के लिए, यही संकोच है। वहाँ जो ऊपर वाली सुपाई में संकोच था, यही संकोच है। तो ये कहे कि हम समझते हैं, सब जानते हैं। भरद्वाज जी बोले कि मैं सब सुधि पाया, सब समाचार मालूम है हमको, और ये ब्रह्मा का कर्तव्य है, इसमें किसी का बस नहीं है।
तो तुम गलान जिय जन करहु, ये जो है अपने हृदय में गलान भरत तुम मत करो। असमुझि मातु करतूत, ये माता की करतूत समझ करके गलान मत करो। अतात कह कहीं दोष नहीं, ये तात कह कहीं क्या दोष नहीं है। गई गिरा मति धूत, मैं जानता हूँ यहाँ बैठ करके ये सब त्रिका लग गया है, संसार में क्या हो रहा है सब जानने वाले हैं, भरद्वाज हो, वाल्मीकि हो, अत्री जी हो, उस समय जैसे जैसे रहते त्रिता के सब संत रहे हैं। तो कहें कि सरस्वती के द्वारा मति फेरी गई थी, उसमें कह कही क्या कुछ दोष नहीं है, मैं जानता हूँ, हमें सब मालूम है, संकोच मत करो। तो यहाँ कहत भल कही न को, यह भी कहने में कोई भला नहीं कहेगा कि कह के कई मत ऐसी फेरी गई है। अलोक वेद बुध सम्मत दो, क्योंकि संसार में लोक मत और वेद मत ही सब संसार के प्राणी मानते हैं, तो वेद का मत थोड़ी था यह कि सरस्वती गई है और कहके की मति फेरी है, नहीं, वेद का मत इतना ही है जो आप करते हैं, जो मानव का चरित्र है, जो नारी का चरित्र है, वेद उसमें ही कुछ अपना मत देते हैं कि क्या आपका चरित्र होना चाहिए, और ऊपर से कोई बात अगर टपक गई तो उसमें ये लोक मत और वेद मत मानने को तैयार नहीं है, वो अपने में ही मानेगा। संसार के प्राणी अगर लोक मत के पक्के जानकार हों, वेद मत के भी पक्के जानकार हों, तो सिर्फ लोक मत और वेद मत की ही बात करेंगे, जो कि संसार की ही बात रहेगी, प्रपंच की बात होगी, ऊपर की बात कुछ टपक गई तो इनके पल्ले नहीं पड़ती है, किनके जो वेदज्ञ होते हैं उनके उनके लिए भी। हाँ, क्योंकि ये ईश्वर की माया है, ईश्वर की माया को वेद भी नेति नेति कहिल वेद निरूपा, नहीं है अंत इनका, नहीं है अंत इनका, वेद भी ऐसा कहते हैं तो वेद क्या जानते हैं। वेद पढ़ करके अगर कोई सोचे कि नहीं वेद पढ़ लिया सब कुछ, चारों वेद के ज्ञाता हो गए हैं तो सब कुछ जान लिए हैं, तो वेद भी नहीं जान पाते हैं जिनको, तुम क्या जान लिया, तुम क्या जान लिए। ठीक, ये सब वेद पढ़ने वाले नहीं, वेद तो वो पढ़े थे ऋग्वेद, हाथ जोड़े कि नहीं वेद क्या, आप वेद जानते हैं, आप शास्त्र भी जानते हैं, आप पुराण भी जानते हैं और तमाम बात भी आप जानते हैं, मैं उतना नहीं पढ़ाऊँ, मैं ऋग्वेद पढ़ने से आपसे कुछ पूछ नहीं पाऊंगा, एक वेद के अच्छे जानकार हैं, अच्छी जानकार, हाँ जी, चूँकि वो तिवारी हैं, आजमगढ़ के हैं, कहाँ के, ये सब वेद और लोक मत के ऊपर की बातें हो रही हैं। तो कहते हैं यह भी कहना ठीक नहीं जैसा मैं कह दिया, क्योंकि ये सब दुनिया के लिए काम में नहीं आएगी, भरत मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, तुम तो ऐसा समझो, क्योंकि लोक वेद बुद्ध सम्मत दो, ये लोक और वेद और जो बुद्धिमान यहाँ के हैं ये सब जो है इसी में सब काम आता है, कि कहीं नहीं ऐसा किया। अतात तुम्हारा विमल यस गाई, पाई लोक हूँ वेद बड़ाई, और भरत तुम्हारा यश का गान करके ये वेद भी पाई लोक हूँ वेद बड़ाई, लोक भी और वेद भी बड़कपन तुम्हारे यश का गान करके ये भी पाएंगे। संसार के प्राणी लोक हो गए और वेद हो गए, ये भी ये भरत के चरित्र को गा करके ये और बड़ा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कौन जो संसार के बुद्धिमान बुद्ध है, लोक वेद बुद्ध और बुद्ध जो है जो अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान मानते हैं, ये भी भरत के चरित्र का गान जब करेंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। तो लोक वेद सम्मत सब कही, जही पितुराज दे सो लहाई, यही तो है वेद और लोक का मत कि जिसको पिता राज दे दिया, देखिए एक बात आ गई ना, वेद की और लोक रीत की, कि पिता जिसको राज दे दिया तो लोक भी यही कहेगा कि राजा इनको होना चाहिए, और वेद यही कहते हैं कि राजा इनको होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो आप नहीं किए, आप लोक और वेद के ऊपर उठ गए, आपका चरित्र लोक और वेद से ऊपर है, क्योंकि लोक और वेद में
आप उसके अंदर घेरे में नहीं आए। नहीं तो लोक वेद सम्मत सब कही जही की तुराज दे सोलहई। ठीक। और आओ सत्य व्रत तुम ही बोलाई और दे तराज सुख धर्म बढ़ाई। और दशरथ भी सत्यवादी राजा थे, वो बुला करके आपको राज यदि दे देते, बुला करके दे देते और सब सुख और धर्म बढ़ाई वृत होती। परंतु तो होता तो कि भरत राजा है, इसको देख लीजिए इसकी बड़कपन और इसकी बड़कपन देखिए कि राम गवन बन अनरथ मूला और जो सुन सकल विश्व भाई सूला। और इसी तिलक के लगाए राम का जंगल भी हुआ और जिसको सुन करके तब भी और अब भी पूरे विश्व को दुख होता है। अशोभावी बस रानी अयानी वह भी रानी अज्ञानी बनी भाभी के बस उनहार के बस होने के कारण। और करी कुचाली अंत पछितानी वह भी कुचाल करके बाद में पछतावा कर रही हैं। और तहन तुम्हार अल्प अपराध हूँ वहाँ आपका जरा सा भी कोई अपराध नहीं है क्योंकि उनका कुचाल है। अब कहे सो अधम अयान असाधु अगर कोई कहे कि भरत भी कुछ कुचाल किए हैं तो अज्ञानी है और वह साधु नहीं है, वह दुष्ट है असाधु है। अब करते राज तुम ही नहीं दोषु क्योंकि राज्य आपको मिला था तो राज्य आप करते तो कोई दोष नहीं था। आराम ही हो तो सुनत संतोषु और आम भी सुनते कि भरत राज्य कर रहे हैं तो उनको संतोष ही होता, उनको दुख न होता। लेकिन अब अति की न भरत भला, लेकिन वह तो भला होता, लेकिन भरत अब तुम क्या किए हो अति भल और बड़ा भला हुआ आपका क्या कि तुम्हें उचित मत तुम्हें यह मत तो उचित था। और सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने राज्य करके कितना बड़ा आपका मंगल होता, सबसे बड़ा मंगल, सब सुमंगलों का मूल तो भगवान के चरणों का स्नेह है। उसमें मंगल होता एक मंगल राज्य करने में एक मंगल और सब सुमंगलों का जड़ है राम के चरणों में स्नेह प्रेम। तो सो तुम्हारा धन जीवन प्राणा अभोरी भाग्य को तुम ही समाना यह प्रेम आपका धन धन और प्राण या तो तुम्हारा धन जीवन प्राण है। वह जो है जो चरण में स्नेह है वही आपका धन है और वही आपका प्राण है और ऐसा भाग्यशाली आपके समान कोई है नहीं। यह तुम्हारा अचरज नहीं ताता यह आपका आश्चर्य नहीं करनी नहीं है महाराज। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता आप यह क्यों विचार करते हैं कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, क्या आप दशरथ के पुत्र नहीं है और राम के भाई नहीं है। ठीक तो सुनहु भरत रघुपति मन माही प्रेम पात्र तुम सन को नाही। सुनो भरत मैं बता रहा हूँ कि राम के मन में प्रेम का पात्र तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है क्यों कि लखन राम सीत ही अति प्रीति। लक्ष्मण और राम और सीता तीनों के लिए आप तीनों के प्रेमी हैं एक के नहीं। और निश्चित सब तुम ही सराहत बीती क्योंकि ये तीनों आपकी ही रात भर सराहना किए हैं जब यहाँ रुके थे हमारे आश्रम में। हाँ तो जाना मरमान हाथ तो प्रयाग कहा पढ़ाना कर रहे थे तो मैं भेद नहीं समझ पाया लेकिन जब सुबह स्नान करने लगे प्रयाग में तब मैं भेद को जाना। कैसे जाना कि मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा वहाँ स्नान कर रहे थे तो आपके अनुराग में वो लोग मग्न हो रहे थे। तो तुम पर स्नेह रघुबर के बताइए ऐसा स्नेह राम का आपके ऊपर है। असुख जीवन जग जस जड़ नर के और इतना बड़ा आपके आप पर स्नेह है राम का जिस प्रकार से स्नेह होता है
जड़ व्यक्ति का जीवन संसार में रह करके जीने खाने में ही मामूली तो नहीं होता, जैसा आप बोले कि सब यही उपली पाथने खाने पीने और भोगने में, जितना उनको स्नेह भगवान राम में स्नेह करने को लगता है उतना ही इसमें होता है ना। हाँ और है, नहीं तो खट पे इसको छोड़ करके उसमें ना हो जाए। हम वही बोलते हैं आपसे, जैसे बाहर भी उतना ही हमको ठंडा या गर्मी मिल रहा है और भीतर भी उतना ही है, तो चाहे हम बाहर बढ़ जाए चाहे भीतर, तो बाहर क्यों रहते जब बराबर ही मिल रहा है। तो यहाँ लोग बोलते हैं ना कि दोनों अच्छा है, चाहे अंदर बैठ जाए चाहे बाहर, कोई फर्क तो है नहीं, तो कहीं बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर बराबर नहीं है तो क्यों उसमें लगते, जरा सा भी आराम मिलता है तो भाग जाते उसको छोड़ करके, इसमें उसमें उतना ही होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहे काम ही नारी प्यारी जिन डूबी जिन, हाँ एकदम बराबर, एकदम वहाँ कह रहे हम पाणे के सामने उस बेचू में कि एकदम तौल लीजिए, बस उतना ही चाहिए। अगर नारी से आप प्रेम करते हैं तो नारी के प्रेम को देख लीजिए, भगवान के प्रेम का एक कलरा बना दीजिए और इस प्रेम को कम करके वहाँ रखिए, और ये आप देख लें कि जरा सा भी कमी ना हो, जितना इसमें प्रेम है उतना वहाँ हो जाएगा, उसी दिन उनसे भेंट हो जाएगी। सामने ऐसा रखा गया कि उधर तो ताई ताई हो गई, हे भगवान अब क्या करिए, अब क्या करिए, कहे कि न कर पाई है ना, मेरे दुआ का दीदा सुनता है। जाना मरम अनाथ प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा, असुख जीवन जग जस जड़ नरके। जीवन में ही जिस जैसे मूर्ख जड़ अज्ञानी, जड़ क्या है अज्ञानी, अज्ञानी मनुष्य और इस संसार में ही सुख को समझता है जिस प्रकार से, ऐसा प्रेम है राम का आपके ऊपर। तो यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, ये राम की बड़ाई नहीं है कि आप पर प्रेम करते हैं, ये उनका बड़कपन नहीं है, अधिक नहीं है। अप्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वे अपने परिवार के रक्षक हैं, उनका ही सब परिवार है और परिवार के रक्षक हैं, तो उनका काम ही ऐसा है जो जितना उनसे प्रेम करता है उससे उतना प्रेम करते हैं। तो तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। और कहते हैं भरद्वाज, ये भरत मेरा तो मत ऐसा है आपके लिए, आपके प्रति, कि जैसे आप इसी कारण से शरीर ही धारण किए हैं, राम के इस स्नेह के लिए आप शरीर ही धारण किए हैं, दूसरे कार्य के लिए नहीं। ये सब सच्ची सच्ची बोलते हैं भरद्वाज जी, भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी दोनों लोग जो है बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बोलते हैं, इसीलिए इनका दरअसल में भरत का इन लोगों अवतार ही हुआ है चरित्र, अच्छा इसीलिए इसी राम के प्रेम को दिखाने के लिए कि राम से कितना प्रेम किया जाता है। प्रेम यमी अमंदर बिरह भरत पयो उधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबी। नहीं, प्रेम है अमृत, हमारा राम का प्रेम है अमृत, इसको निकालना है, भगवान के प्रेम रूपी अमृत को निकालना है, कैसे मथ करके, कैसे जैसे वो समुद्र मथ करके अमृत निकाला गया था। तो मंदराचल है भगवान राम का दुख, मंदराचल जो पर्वत था वो हो गया भगवान राम का दुख, और भरत का हृदय, भरत का हृदय ही ये समुद्र है। अच्छा, और भगवान राम का विरह है मंदराचल, भरत के हृदय में उसको लगा दिया गया, और भगवान राम स्वयं अपने हाथ से मत प्रगटे सुर साध हुए, भगवान राम ही तो अपने प्रेम का वो मंदराचल डुला रहे हैं इसका, हाँ भरत के हृदय रूपी समुद्र में, और क्या निकलेगा, वही प्रेम रूपी अमृत जो सुर और साधुओं के हित में होगा। तो धरे दे जनु राम सनेहु, तो तुम कह भरत कलंक, यह
हम सब कहो उपदेश। हे भरत जी, जो बात आपके विचार में कलंक है, आपके लिए कलंक है, यही कलंक ही हम लोगों के लिए उपदेश है। जो आप कलंक समझ रहे हैं, यही हम लोगों के लिए उपदेश, यही हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। ये भरत के लिए कलंक नहीं, ये हमारे लिए उपदेश है। भरत कौन सा कलंक का काम किए हैं? यही हम, यही तो हमको संभलना चाहिए। उपदेश मान करके यही हमको सावधान होकर के समझना चाहिए कि भरत कोई कलंक का कार्य नहीं किया है, झूठा कलंक है। ये हमको उपदेश मानना चाहिए। और इस प्रकार से राम भक्त रस सिद्धित, राम के भक्ति के, भक्ति क्या है? रस। और इस रस के सिद्धि के लिए, रस बनाने ठीक से बन जाए, राम की भक्ति रूपी रस ठीक से बन जाए, इसके लिए भाया समय गणेश। और यह जो है हाँ शुरुआत हुआ अभी, आज से अब आपको, आपका यह सब देख करके और हमारे अंदर राम भक्ति श्री गणेश हो रही है। भरद्वाज जैसे मुनि के लिए, भरत जी के समागम से। हाँ कहे कि भरत जी, आपके लिए जो कलंक है, यही हम लोगों के लिए उपदेश है। और राम की भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए और हमारे लिए भाई यह समय गणेश, यहीं से इसका शुरुआत हो रहा है। अब भगवान राम के भक्ति के लिए हित में भरत का चरित्र यहीं से शुरुआत है। इसके पहले से तो भरत का ही चरित्र है, लेकिन राम के भक्ति के लिए यहाँ से। तो नवविधु विमलता तजस तोरा, कहते हैं नए चंद्रमा के समान ये आपका यश। नवविधु विमलता तजस तोरा, ये चंद्रमा पुराने चंद्रमा की तरह नहीं, प्रकृति से आज एक नया चंद्रमा उत्पन्न हुआ। कि कौन? आपके यश रूपी चंद्रमा कह रहे हैं कि भरत के यश रूपी का चंद्रमा, यश रूप चंद्रमा, आज एक नया चंद्रमा उत्पन्न हुआ। प्रकृति में जो था ही नहीं, अभी प्रकृति में, क्योंकि नया चंद्रमा कहते हैं कि नवविधु विमलता तजस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। अब भगवान के जो दास हैं वही कुमुद चंद्रमा के प्रकाश से जो जिनको प्रसन्नता मिलती है, कुमुदिनी आप कहते हैं, और चकोर कौन है? ये भगवान के भक्त। उदित सदा यथ ही कबहुना, ये कभी भी अस्त, चंद्रमा अस्त होते हैं, लेकिन ये आपके यश रूपी चंद्रमा जो नया उदय हुआ, ये कभी अस्त नहीं होगा। उदित सदा यथ ही कबहुना, घट ही न जग न दिन दिन दूना, ये चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, लेकिन ये कभी घटेगा नहीं, ये और दिन दिन दूना बढ़ेगा, बड़ा चंद्रमा होगा, घटेगा कभी एक दिन भी नहीं। अको कबिलो की प्रीति अति करही, और कोक देख करके प्रीति करेंगे। कौन कोक है? भगवान राम के जिनको बता दिए कि कौन कोक है, भगवान राम के भक्त, ये इसको देख करके ये प्रीति करेंगे। इसको देख करके, इस चंद्रमा को देख करके, आपके यश रूपी चंद्रमा को देख करके राम के भगत हमेशा प्रेम करेंगे। और प्रभु प्रताप पर अभिच्छमी ही न हरही, और भगवान के प्रताप से, राम के प्रताप से सूर्य का तेज भी इसको हरण छवि धूमिल करेगा नहीं। इस चंद्रमा का छवि धूमिल तो हो जाता है सूर्य के समय, अगर चंद्रमा उदय रहते हैं तो बड़ा हल्का हल्का दिखाई देते हैं, छवि धूमिल रहता है, लेकिन भगवान राम के प्रताप से आपके यश रूपी चंद्रमा जो है ये कभी धूमिल नहीं है। अनिशिदिन सुखद सदा सब काहू, रात में भी सबके लिए, वो रात में ही सबको सुख देने वाला होता है चंद्रमा, ये प्रकृति का चंद्रमा, लेकिन ये आपके यश रूपी चंद्रमा को बता दे रहे हैं
कि यह रात में भी सुख देगा और दिन में भी सुख देगा। क्यों नहीं देगा? भरत का चरित्र जब याद करेंगे तब ही सुख होगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे संध्या हो। तो निसी दिन सुखद सना सब काहू, ग्रस ही न के कई करतब राहू। उसको राहु ग्रस्ता है, छिप जाता है चंद्रमा, और ये चंद्रमा को भी एक राहु पीछे लगा है। कौन कैसे का जो ये कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य उसको ग्रस नहीं पाएगा कभी भी। इस चंद्रमा को ये ग्रहण कैकेयी के कर्तव्य रूपी राहु कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक। अपरन राम सुप्रेम पीयूखा, अगुरु अपमान दोष नहीं दूसा। ये आपकी प्रतिज्ञा जो राम का सुंदर प्रेम है, यही अमृत है इस चंद्रमा में। इस चंद्रमा में अमृत क्या है यहाँ अर्थ नहीं है। तो ये आपका जो भगवान राम में इतना दृढ़ प्रतिज्ञा है, आप प्रतिज्ञा है आपकी, यही इसका अमृत है। इसे अश्रुपी चंद्रमा में अमृत यही है जो दृढ़ता है आपकी प्रेम की। और इसमें आप गुरु का अपमान किए हैं, गुरु आदेश दिए राज्य करने के लिए, लेकिन उसको उसका अनादर करके आप आए हैं राम से मिलने के लिए। तो यह क्या हुआ? ये दोष है, दोष जैसे चंद्रमा में ओम मृगा का दोष है, वो भी कभी भी दिखाई नहीं देगा। गुरु के अपमान रूपी जो चंद्रमा का दोष है भी चंद्रमा में दिखाई नहीं देगा। तो राम भक्ति अब अमीय अगाधु अघाहु, और राम की भक्ति रूपी अमृत में अथा इसमें अमृत होगा, अथा है अमृत इसमें होगा, उसमें तो कुछ अमृत का मात्रा होगा कि इतना अमृत चंद्रमा में है, लेकिन इसमें अथा राम के भक्ति रूपी अमृत भरा रहेगा आपके इसमें। अब कि इन्हें सुलभ सुधा वसुधा हु, सुधा धरती पर और वसुधा सुधा अमृत, पूरा ये थोड़े जीवन के लोगों के लिए नहीं, पूरा वसुधा के प्राणी अगर अमृत पियेंगे तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। और उस चंद्रमा के अमृत को तो 10-20-50-100 गिनती वाले पी जाएंगे, एक एक टोप पियेंगे तब भी कुछ टोप ही होगा, लेकिन ये कथा है। तो भूप भगीरथ सुर सर यानी, भगीरथी राजा हुए आपके वंश में तो गंगा को ले आए। असुमिरत सकल सुमंगल खानी, जिसका स्मरण करने से ही सब मंगल हो जाते हैं। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, भगीरथ को देख लीजिए और दशरथ के भी गुण को देख लीजिए जो वर्णन नहीं होते हैं। और अधिक कहाँ जेही रा, अधिक कहाँ जेही समझ गनाही, क्या अधिक कहूँ संसार में उनके बराबर कोई नहीं है दशरथ के समान। जासु स्नेह संकोच बस, जैसे ऐसे दशरथ जी के स्नेह और संकोच के बस। राम प्रगट भे आई, दशरथ का संकोच स्नेह ही न रहा जो कि राम अवतार लिए हैं उनके घर कभी का, संकोच में पड़ करके ही प्रेम में ही तो आकर के। और जे हरि है नयनन ही कबहू, जे हरि ही नयनन ही कबहू, निरखे नाही अघाई। वह स्वरूप जो शंकर जी को कभी कभी उनके नेत्रों से उनको देखने के लिए मिलता है, शंकर जी को कभी कभी राम का स्वरूप वह कभी कभी उनको देखने के लिए मिलता है, इसीलिए मनु महाराज वो वरदान मांगे हैं उनसे। जब शब्द हुआ मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक रंध श्रवण रंध हो उर्ज बजाई, तब वो मांगे कि महाराज ये आवाज ऐसी बात जब हृष्ट पुष्ट हो गए तो कहे महाराज जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप आपका शंकर के मन में वास करता है वही स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ, और उसी स्वरूप का दर्शन किए। तो कहें कि महाराज अब फिर मांगने के लिए कह रहे हैं तो मांगने की इच्छा हो रही है, तो क्या मांगने की इच्छा हो रही है? कि चाहो तुम ही समान सूत, वही जो शंकर का स्वरूप मन में बास करता है उसी को देखने के लिए मांगे थे, और उसी स्वरूप को पुत्र के रूप में भी मांगे थे। तो कहते हैं कि जा सुसने संकोच बस राम प्रगट भे आई, जे हर ही नन ही कमहु, इन आँखों से नहीं
शंकर इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, शंकर नहीं देख पाते हैं इन आंखों से, जे हर ही नयन नहीं हृदय रूप के नेत्रों से देखते हैं। किस नेत्र से? हृदय के नेत्र से। तो हम आप सोचते हैं कि आंख से भगवान नहीं मिल रहे हैं कभी, कुछ लोग कहते हैं कलयुग में भगवान, अरे शंकर को नहीं मिलते हैं किसी युग में नहीं मिलते हैं बेकूफ, इन नेत्रों से अभी आज कलयुग में तुम देखने के लिए इच्छुक करते हो, बात करते हो, वो इन नेत्र से देखे ही नहीं जाते हैं, वो हृदय के नेत्र से ही देखे जाते हैं, शंकर के द्वारा देखे जाते हैं, हमारे तुम्हारे लिए इस नेत्र से सुलभ हो जाएंगे। लगा पूरी छन जाए तो कीरति विधो तुम की नयन उपा जहां बस राम प्रेम अमृग रूपा। यह तो जो है उपमा रहित कीर्ति आपकी चंद्रमा को बनाया, ये कीर्ति उपमा रहित चंद्रमा को बनाया, कीरत विधु ये कीर्ति आपकी विधु बनाया, किन अनुपा अनुपम विधु को बनाया, और जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, और उसमें राम का प्रेम ही मृग रूप में वास कर रहा है, मृगा भी है अगर जो मृगा की छाला है तो राम का प्रेम, कई का कलंक मृगा नहीं है, राम का प्रेम मृगा है, राम का प्रेम मृगा है, तो जो उसमें छाया दिखती है इस चंद्रमा में वह तो, और जो है भगवान का प्रेम है तो और प्रकाश कर रहा है, जहाँ छाया होना चाहिए वहाँ और प्रकाश हो रहा है। ठीक हम हूँ रस देता ही देखिए, तुलसीदास जी जैसे रचे हैं तुम कहा कम से कम अलगे नहीं रचता है तो उनकर तो सही सही कह दे हाँ? नहीं तब पढ़ के उन्हों को अनादर उनके लिखे के भावों को तो तात गलानी करहु जी अजाए, कहते हैं ये तात ये गलानी अपने हृदय में आप मत करिए, और डरहु दरिद्र ही पारस पाए, और दरिद्र की भांति आप डर रहे हैं पारस मणि पाने के बाद भी, अब दरिद्र पारस मणि पास में हो, अब अपने को डर रहा हो कि मैं गरीब हूँ, मैं शादी कैसे करूँगा, मैं बीमार है कैसे दवा होगी, फीस कैसे दिया जाएगा, बच्चे की अवलिया क्या है हाथ में पारस मणि, तो इस प्रकार से इतनी बड़ी अपार व्यवस्था आपके पास है और आप इस प्रकार से डर रहे हैं। भरत जी ऐसा कौन कहा? भरद्वाज जी। तो सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, और अगर विश्वास हमारी बात पर नहीं करते हो तो समझो यार आप भी समझ लीजिए, तो सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रहीं, इसलिए कि मैं उदासीन भाव से यहाँ रहता हूँ, हमको कोई इच्छा कहीं संसार में किसी से न लगाव है न किसी से प्रेम है, मैं किसी का विशेष व्यक्ति नहीं हूँ कि इससे हमारा प्रेम है, अब मैं किसी का बड़कपन करने वाला हूँ, आप उदासीन भाव के हम रहने वाले हैं, आप में इतना गुण न होता तो मैं आपकी चर्चा न करता। ठीक, क्योंकि मैं उदासीन इतना ही मिला इसमें सारा कि मैं झूठ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं उदासीन भाव से रहता हूँ, हमको ये भरत से बड़ी प्रेम नहीं है, भरत में ये बात है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक, तो सब साधन कर सुफल सुहावा, कहते हैं सब साधन का फल आज अच्छा लगा, सुंदरता को प्राप्त हुआ, शोभा को प्राप्त हुआ, कैसे कि लखन राम सिय दर्शन पावा, जो साधन हम किए थे इतना दिन तक वो उसका फल हमको क्या मिला कि राम और सीता का दर्शन हुआ और लक्ष्मण का, तीनों मूर्ति का दर्शन उस समय हुआ जितना उसके पहले हम किए थे, कब के राम से मिलने के पहले जो मैं कुछ किया था अच्छा अच्छा कर्म उसका सबका मिल करके फल उनका दर्शन हुआ सीता का, और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और उसका फल यह है और उस दर्शन का फल यह है, उन सबके दर्शन का फल यह है कि आपका दर्शन समझो, असहित प्रयाग सुभाग हमारा, ये प्रयाग का भी भाग्य है और हमारा भी भाग्य है, इनको भी दर्शन हो रहा है और हमको भी हो रहा है, और भरत धन्य तुम जग जस लयउ, हे भरत आप धन्य हैं और संसार में यश को प्राप्त किए आप, कैसे कि कही अस प्रेम मगन मुनि भयउ, ऐसा कह करके अब फिर प्रेम में मग्न हो गए, मुनि कुछ बोल नहीं रहे हैं।
अब इतना बहुत दे दे। तो सुनी मुनि बचन सभा पद हर्ष, वहाँ और कुछ लोग हैं वो लोग बड़ा प्रसन्न हुए। असाधु सराही सुमन सुर बरसे, उसे बार बार फूले बरसावा लेने गुरु लोग। हाँ धन्य धन्य धनी गगन प्रयागा, सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। और धन्य धन्य की ध्वनि आकाश में, प्रयाग के आकाश में होने लगी। देवता लोग धन्य धन्य कर रहे हैं, देवता लोग आकाश से ही धन्य धन्य कर रहे हैं, इसलिए आकाश में ध्वनि हो रही है। और यह सुनकर के भरत प्रेम में और मग्न हो गए कि पुलक गात, वो उसको सुन नहीं रहे हैं बल्कि प्रेम में और मग्न हो जा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें मग्न नहीं हुए और प्रेम में अपने मग्न होते जा रहे हैं। वो वहाँ आवाज हो रही है झूठ रही तो पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नयन, करी प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद मैन। राम और सीता की प्रसन्नता में भरत का शरीर पुलकित हुआ, रोमांच हुआ और सरोरुह नयन कमल रूपी नेत्र में जल भराया और करके प्रणाम। मुनि की और वहाँ मंडली है, एक भरद्वाज नहीं है और मुनि है, उन सबको प्रणाम करके भरत जी और बोले गदगद मैन। गदगद है यह कि कह रहे हैं वाणी से और कहा नहीं जा रहा है, प्रेम के प्रभाव से मग्न है इसलिए कहा नहीं जा रहा है, ऐसे वाणी बोल रहे हैं भरत जी कि मुनि समाज अरु तीर्थ राजू। यहाँ मुनियों का समाज है और यहाँ तीर्थराज जी है। अफाचे हूँ सपथ अघाई अकाजू, यहाँ अगर मैं कसम खाऊं सच्ची तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं प्रयाग में कोई झूठ बोलेगा नहीं और मुनि के समाज में कोई झूठ बोलेगा नहीं, इसलिए कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। कसम खाता हूँ तो आपका अनादर होगा, क्योंकि यहाँ भी कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कसम खाया जा रहा है तो आपका सम्मान नीचे किया जा रहा है, इसलिए शपथ नहीं खा रहा हूँ। मोहिनत मातु कर तब कर सोचू, नहीं यही थल जो कछु कही बनाई। इस स्थान पर अगर मैं कुछ बना करके बोलूं तो यही सम अधिक न अघय धमाई। यहाँ अगर तीर्थराज में रह करके और मुनियों के बीच में मैं कुछ बनावट करके बोलूं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। तो तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ, अब आप तो सब कुछ जानने वाले हैं महाराज। जब ये जान लिए आपकी वहाँ कहके ही कीमती फेरी गई थी, उसका दोष नहीं है, तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आपके सामने क्या मैं बना करके बोलूँगा। और अंतरयामी रघुराऊ, और हृदय की बात राम भी जानने वाले हैं। तो मोहिन मातु कर्तव्य कर सोचू, मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है। जो आपने कहा कि ये संकोच में यहाँ आप बैठ रहे हैं, संकोच की जो बात आई थी बैठने के लिए, तो उसका सोच नहीं है। और नहीं दुख जी जग जा नहीं पोचू, और ये भी दुख नहीं है, संसार हमको पापी समझेगा। पोच ही लिखते हैं लेकिन पोच का मतलब यही तो पाप कर्म किया हुआ उसको पोच कहते हैं। तो ना ही न डर बिगड़ ही परलोक, और क्या क्या डर नहीं है हमको, परलोक मेरा बिगड़ेगा ये भी हमको डर नहीं है। और पिता मरे कर ना ही न सोकू, ये आप ध्यान दीजिए कि हमको इन सब बातों का कोई डर और चिंता नहीं है। और सुकृत सुयस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। पिता के लिए कि अच्छा कर्म किए थे और राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए, हमारे जैसे नहीं राम लक्ष्मण जैसे। राम विरह तन छिन भंगू, और राम के विरह में अपने छिन भंगू शरीर को छोड़ करके अभूप सोच कर कौन प्रसंगू, ऐसे भूप दफरत जी का क्या सोच करना है, क्यों हम सोच करेंगे जो राम के सोच में अपने शरीर को छोड़ दिए। तो राम लखन सिय बिनु पग पनई, राम और लक्ष्मण और सीता बिना पैर में कुछ धारण किए। अब करी मुनि भेष फिर बन बन ही,
सोच हमको इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता बिना पैर में कुछ डाले और जंगल में जहां तहां ऐसे घूम रहे हैं, सोच हमको इस बात का है। तो अजी न बसन फल असन मही शयन दासी कुशपात बसी तर उतर नित सहत हिम आतप बरसावात। यही जंगल का दुख उठा रहे हैं, जहां तहां कुछ यही खा करके फल फूल धरती पर यही कुश पत्ता बिछा करके सो रहे हैं वृक्ष के नीचे, और धूप और वर्षा और ठंडी सहन कर रहे हैं ऐसे जंगल में, सोच हमें इस बात का है। और चला जाए तो यह दुख दाह दह नित छाती, यही दुख के अग्नि में दाह माने अग्नि में छाती हमेशा जल रही है। अभूख न बासर नींद न राती, न तो दिन में भूख लगती है न रात को नींद लगती है। यह कुरोग कर औषधि नाही अशोध सकल विश्व मन माही। ये हमको कुरोग हो गया है महाराज, इसको नींद और भूख न लगे ये हमको हो गया था। तो कुरोग, यह कुरोग है, नींद और भूख की कोई दवा नहीं मिलती है, कुरोग की दवा नहीं होती है। जब जिस रोग की दवा न मिले जान लीजिए कि यह कुरोग है, और रोग की दवा है तो वह कुरोग नहीं है, वह रोग है। कुरोग किसको कहते हैं? जिसका दवा न, जो लग गया है। तो भरत जी कहे कि मैं विश्व में खोज लिया, इस रोग की औषधि नहीं है। यह कुरोग कर औषधि नाही अशोध सकल विश्व मन माही। मैं अपने मन से विश्व में खोज लिया, कहीं किसी वैद्य के पास ये दवा नहीं है। तो मातु कुमती बढ़ई अघमूला अते ही हमारा हित की न वसूला। देखिए यहाँ थोड़ा कठिनता है। जिसने माता की कुबुद्धि बढ़ाई, माता की कुबुद्धि बढ़ाई, बुद्धि नहीं कुबुद्धि बढ़ाई, जो पाप की जड़ है वह क्या है? पाप की जड़ है। माता की कुबुद्धि जो बढ़ी वही पाप की जड़ है, और जिसने बढ़ाई, और मेरा हित वह वसूल लिया, मेरा हित ले लिया, जिसने मेरा हित था उसको ले लिया। क्यों ले लिया? माता की कुबुद्धि को बढ़ा करके, अब उसको मेरे हित को ले लिया। अकली कुकाठ कर किन्ह कुयंत्रु अगाड़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। और क्या किया वह मेरे हित को लेकर के? और बबूल का वृक्ष होता है सबसे बुरा वृक्ष, कुकाठ है, कुकाठ है। तो कुकाठ के जगह पर बताया गया कि बबूल का काठ। बबूल के काठ का कोई यंत्र बनाया, यंत्र बनता है तो सुंदर काठ से, यंत्र बनता है तो सुंदर काठ से, और कुयंत्र बनेगा तो ठीक इसके विपरीत बुरे काठ से। तो बबूल के काठ का कुयंत्र बना करके कुयंत्र यहाँ क्या है? हाँ, कुयंत्र बबूल का काठ हुआ, ये सब क्या हुआ? जो ये माता की कुमत हुई यही बबूल का वृक्ष है। ये गौढ़ा की इसको कौन, इसको यह जो है मंथरा, मंथरा के द्वारा गढ़ा गया। यह कुयंत्र मंथरा के द्वारा
गढ़ा गया, ठीक ना। और कठिन कुमांत्र, मंत्र तो मंत्र होता है जो हित के काम में होता है, जो मंत्र अनहित के काम में होता है उसको कहते हैं कुमांत्र। तो कुमांत्र पढ़ करके उसको अयोध्या में गाड़ दिया गया। तो यंत्र गाड़ देते हैं तो उससे उसका प्रभाव न पड़ता है, यंत्र पहन लेते हैं तो प्रभाव पड़ता है, गाड़ देते हैं तो प्रभाव पड़ता है। तो ये अयोध्या में गाड़ दिया गया। अब एक कुयंत्र गाड़ दिया गया तो इसका प्रभाव क्या होगा, बुरा नगरवासियों के लिए दुख हो गया। तो क्या काठ है और कौन गढ़ा, और अयोध्या में कुमंत्र पढ़ करके गाड़ दिया, गाड़ दिया। और मोही लगी यह कुठाट पे ही ठाटा। और ये किसके लिए किया गया, सबके लिए नहीं, यह खुद मेरे लिए ही किया गया। यह कुयंत्र जो गाड़ा गया वह किसके लिए, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे अनिष्ट के लिए, मेरे हानि के लिए। अमोही लगी यह कुठाट ते ही ठाटा, घाल सी सब जग बारह बाटा। और संसार के विपत्ति के बारह रास्ते होते हैं, संसार में जो विपत्तियां होती हैं इसके बारह रास्ते होते हैं। अरे बारहों रास्ते पर गाड़ दिया, मैं जिधर ही जाऊंगा उधर ही हमारे लिए दुखदाई है। बारह बाट होते ही हैं, संसार के लिए बारह बाट होते हैं, बारह रास्ते संसार में। तो ये मत देखिए कि यहाँ तो बहुत रास्ते हैं, यहाँ से कहीं के जाने के लिए बारह रास्ता होता है। यहाँ से कहीं कहीं के लिए जाने के लिए बारह रास्ता होता है, और बारह रास्ते के लिए विचार किया जाएगा, ठीक। इतना जानिए कि बारह रास्ते होते हैं। और बारहों रास्तों पर एक कुयंत्र गाड़ दिया गया है। अमित कुरोग राम फिर आए। और बारहों रास्तों रास्ते पर गाड़ा गया है, और किस रास्ते से राम आएंगे। बारहों रास्ते पर गाड़ दिया गया है तो राम किस रास्ते से लौट करके आएंगे, इसलिए गाड़ा गया है कि राम लौट करके नहीं आएंगे तो इसको हमेशा कष्ट भरत को तब होगा। इसीलिए बारह रास्ते पर गाड़ दिया गया है। उम्र में विचार करके हम देख चुके हैं कि दवा इसकी नहीं है, इतना बढ़िया विधान से कार्य किया गया है। अब बस अवधन ही आन उपाय, और दूसरा कोई उपाय से अयोध्या रहने वाली नहीं है, अयोध्या साफ कहे कि कुमंत्र गाड़ जा। और भरत वचन सुने मुनि सुख पाई। ऐसे भरत की वाणी को सुन करके मुनि को बड़ा सुख हुआ। असम ही की न बहु भांति बड़ाई। और वहाँ और मुनि ब्राह्मण हैं सब लोग भरत की बड़ी बड़ाई किए। इतात करहु जनि सोच बिसेखी, और सब दुख मिटे हैं राम पद देखी। ठीक है दुख तो बहुत है, नहीं हम लोग कह रहे हैं कि नहीं दुख आपको कम है, दुख तो बहुत है, लेकिन राम के चरणों को देखेंगे तो सब दुख मिट जाएंगे। राम चाहे अयोध्या में आने पाए या चाहे न आने पाए, अयोध्या में आएंगे तब भी चरण देखने से ही सुख होगा, और वहां जंगल में भी देख लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो करी प्रबोध मुनि वर कहे अतिथि प्राण प्रिय हो। ऐसा प्रबोध दे करके उनको धीरज दे करके बोध दे करके और भरत जी से कहे कि देखिए आप अतिथि हैं, और अतिथि प्राण से बढ़ करके प्रिय होता है। तो कंदमूल फल दे कंदमूल फल फूल हम और दे ही ले हु करी छो। ये मैं दे रहा हूँ इसको आप ले लीजिए। तो सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू। ऐसा सुन करके भरत के हृदय में सोच हुआ कि भय कुर कठिन संकोचू। कितनी बड़ी सीमा पर हम चढ़े हैं इस समय प्रेम के, और इसी समय इनको कुछ खिलाना है तो खाने में फंस जाएंगे तो प्रेम में कमी
हो जाएगी। यह जो है कुआ उसार है और कठिन संकोच भरद्वाज का है, क्योंकि कठिन संकोच इसलिए है कि अतिथि हैं और प्राण से बढ़कर के प्रिय होना चाहिए अतिथि, ऐसा बोल करके कुछ देना चाहते हैं और यह अवसर में बड़ा संकोच है। तो जानी गरुआ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले करजोरी। इस प्रकार से और इनकी वाणी सुन करके एक गरु माने वजनदार है, वजनदार का मतलब कि उसमें बहुत बड़ा तत्व है, तत्व से वजन है, ऐसा सुन करके ए गुरु भरद्वाज जी की, मुनि भरद्वाज जी की वाणी सुन करके भरत जी बोले हाथ जोड़ करके कि सिर धरिया या सुकरिया तुम्हारा, महाराज आपका आदेश तो बिल्कुल इस पर धारण करना चाहिए। और परम धर्म यह नाथ हमारा, यही तो हमारा परम धर्म होना चाहिए। और भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूचि सेवक सब निकट बुलाए, तो पवित्र जो सेवक है उनको अपने पास बुलाए। और चाहिए कि न भरत पहुनाई, कहे बताए उनको कि देखिए भरत यहाँ रुकेंगे आज ठीक। अब कंदमूल फल आन हो जाई, तो भले नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। वो कहे ठीक है महाराज, कह करके सब खुशी से अपने कार्य में लग गए। अमुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, हम भेज तो दिए 500 यहाँ दरवाजे पर बराती बैठे हैं और घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कह दिए सबको शरबत पिलाइए, दीपू देखिए सब आए हैं हमारे यहाँ, गए तो पता लगा घर में 2 किलो चीनी है और लगेगा 50 किलो चीनी, तो हमको तो मालूम है। उसी प्रकार से मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। ये भी बात है कि जैसे आए हैं अब शरबत बनवाई देव, क्यों आ जाए अगर मम्मा का क्यों आ जाए, क्यों कदम से वैज्ञानिक उड़ा अपान से आ जा कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ा आ जा बनारस, बनारस से आ जा चार पहिया से यहाँ हेरा तेरा, रवि शंकर पांडे यहाँ रहते हैं बोल दिए, अब यहाँ आ गया तब हम क्या करेंगे, उसको बिस्कुट खिला दें, जाए के दिन में निबुआ करके रस दे देंगे। मुने सोच पाहुन बड़ न्योता, अब तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसे है तैसी सेवा होना चाहिए दीपू जी देवता। अरे मुनि के यहाँ मुनि आ जाते तो ऐसा होता है, अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं भरत जी, और अयोध्या में रहने वाले जो इतनी बड़ी व्यवस्था अयोध्या की है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, आए हैं भरद्वाज के आश्रम, तो मुनि को सोच हुआ कि भाई देखिए न्योता तो बहुत भारी करना है, क्योंकि न्योता ऐसे है, तब क्या करते हैं कि सुनी रिधि सिद्धि अनमादिक आई, ऐसा जब मन में हुआ भरद्वाज को तो तुरंत रिद्धि सिद्धि जो तमाम अणिमा लघिमा रिद्धियां सिद्धियां हैं जो कुछ है सारी व्यवस्था जो अदृश्य है सब आ जाती है। अवायसु हो यसु करहूं गोसाई, आए कितना बड़ा आपका जब कोई पाहुना आया तो हम लोग यहाँ सेवा के लिए आप आदेश दीजिए। राम विरह व्याकुल भरत, भरद्वाज जी कहे देखिए राम के दुख से व्याकुल है भरत। असानुज सकल समाज, इनके भाई शत्रुघ्न भी और पूरा समाज, अपहुनाई करी हरहु प्रम, ऐसी सेवा करो कि इनका दुख दूर हो जाए। अकहे मुदित मुनिराज, और प्रसन्न होकर के मुनि बोले कि इनकी ऐसी सेवा आप लोग करिए। तो रिधि सिधि सिर धरि मुनि वर मानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी, ये राम के भाई भरत हैं और इनकी सेवा के लिए भरद्वाज जी बुलाए हैं हम लोगों को, आज हमारी बड़ी भाग्य है कि राम के भाई भरत की सेवा करने का अवसर मिला। जैसे आपको बुला दिया जाए कोई आ गया बड़ा भारी, हाँ हमारे यहाँ कोई संसार का बड़का, तो खुश होंगे कि भला उसे तो मेहमान आते थे तो बाबा बुलाते थे, लेकिन आज ये भी आए तब भी हमको बुलाए, आज और अच्छा अवसर है ठीक। तो कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, वो सिद्धियां की समुदाय सिद्धि होती हैं 8, तो ये 8 आपस में कह रही हैं क्या कि अतुलित अतिथि राम लघु भाई, ये सीमा नहीं है, राम के भाई हैं,
इतना विस्तार से और इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था करना होगा। ठीक मुनि पद बंद करिए सोई आजू हो सुखी सब राज समाज। ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो दासी हैं भरद्वाज जी की। आ गई ये मुनि के पद की वंदना करो कि पावर मिले हमको और विशेष। मुनि पद बंद करिए सोई आजू, आज मुनि के चरणों की वंदना करके कार्य करोगी, अगर हम करेंगे हम लोग तब जाकर के बात होगी और नहीं तो नहीं हो पाएगी। हो सुखी सब राज समाज, तब ये राज समाज सुखी होगा, नहीं हमारे सेवा करने से सुखी नहीं होगा। तो ऐसे कही रुचि रचे गृह नाना, ऐसा कह करके वो लोग भले सुंदर सुंदर घर बनाने लगी। अजो बिलो की बिलखा ही बिमाना, जिसको देख करके विमान के आकृति में, अभी हम लोग घर बहुत देखे हैं लेकिन विमान के आकृति में, जहाज के आकृति में कहीं घर देखे हैं? जहाज के आकृति का कोई नक्शा बना करके इंजीनियर बनाया है घर? ऐसे उस दिन बात हुई अस्त्र की, हम कहे कि अस्त्र कहें आज भी बहुत विस्तार कर दिया है, ऐसे कर दिया उसे, हम कहा नहीं है अस्त्र नहीं है, कहें कैसे? हम कहा राम के पास ऐसा एक बाण था कि वो जब वहाँ शाम के समय दक्षिण दिशा में देखे तो वहाँ सब रावण के उछले भाग पर जो है वहाँ वो बैठता था समाज लगा करके, वहाँ उसके पहलवान अखाड़ा चलाते थे और अच्छी अच्छी नृत्य कर रहे अम्बाधी कनारी कर रहे नृत्य अप्सरा प्रवीणा, जो प्रवीण अफसर आए थे वो आकर के वहाँ नृत्य करती थी और बाजने बाज रहे थे। ये सब आवाज़ देख करके और मंदोदरी के कर्णफूल को देख करके राम को ऐसा लगा कि वो मेघडंबर जो है वो बादल है, लंका के ऊपर मेघडंबर जो है वो बादल है और उसमें जो आवाज़ हो रही है वो बादल की गर्जना हो रही है और जो चमक हो रही है वो बिजली की चमक दिख रही है। और चमक क्या है? हाँ तो मंदोदरी का कुंडल है। और उसको ऐसा अभिमान देख करके रावण का एक बाण उठाए और वो बाण जा करके सब कोई भेद नहीं जाना और बाण काट करके चला, यहाँ आपका कुछ भी होगा वो चाहे मार करेगा चाहे नहीं करेगा लेकिन आवाज़ पहले बारूद से प्रयोग करेंगे तो बारूद आवाज पहले करेगा, चाहे वहां जाकर के वो चोट करे या न करे, लेकिन वो चोट किया और आवाज नहीं हुई, आवाज नहीं उसको कोई देखा ही नहीं। कोई है ऐसा अस्त्र? वह पूरा समाज चुप, तिलक में गए थे जगह वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े लेक्चरर और मास्टर मास्टर सब बैठे थे। यही बात यहाँ भी है कि विमान के आकृति का वहाँ मकान बनाया जा रहा है सिद्धियों के द्वारा, विमान के आकार का, आकार का ही नहीं विमान के सारी व्यवस्था का। अगर चाहे तुम आकाश उसी मकान में बैठे बैठे अगर जाना चाहे तो कहीं चले जाए। तो ऐसे कही रचे, ऐसे कही रुचि रचे गृह नाना, जो बिलो की बिलखा ही विमाना। ठीक है, इतना पाई तो हम तुलसीदास के और इतना आगे बढ़ाई दी, वो बढ़ाया रहा भरे के नहीं, वो चलहू भरे के। तो भोग विभूति भूरी भरी राखे, अब भोग की वस्तुओं को खूब भर दिए उन घरों में। अब देखत जी नहीं अमर अभिलाखे, वो खाने की वस्तुओं को देख करके देवता भी सोच रहे हैं कि हमको भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। अदासी अदास साज सबली ने, वहाँ दासी दास भी सब सद हट करके बनाए गए हैं, दासी और दास। तो जुगवत रही मन ही मन दीन है, अब वो सब इनकी सेवा के लिए मन में मन लगाए दास दासी खड़े हैं। तो सब समाज सजी सिद्धि पल माही, ये सारा समाज की व्यवस्था करके पल मात्र में सिद्धियां लोग। अजो सुख सपने हूँ सुर पूर नाही, ऐसे सुख की व्यवस्था की कि जो देवता के लोक में कभी भी नहीं की जाती है। तो प्रथम ही बास दिए सबके ही, तो लोग जा करके सब दास दासी जो बनाए गए हैं वो बोले कि आप लोग चल करके अपने अपने घरों में रहिए। असुंदर सुखद जथा रुचि जे ही, जिसको जो सुंदर लगा जिसको जहाँ रुचि हुई वो वहाँ वहाँ जा करके अपना रहे। तो बहु ऋष परिजन भरत कहा ऋषि आयसु असकीन, पूरे समाज के लिए परिजन के लिए गांव नगर वासियों के लिए ऋषि का जैसा आदेश था वैसा ही सब किए सिद्धि लोग। और विधि विषमयदायक विभव, ब्रह्मा भी विस्मित हो जाए जिस विभव व्यवस्था को देख करके। अब मुनिवर तप बल की ये सिद्धियां नहीं, मुनि अपने तपस्या के बल से। अब बताइए यहाँ ब्रह्मा बड़े हैं कि भद्वाज,
इसीलिए आपसे कहे कि ये सब तुच्छ है, मानव के प्राणी की बराबरी करेंगे, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि ये सब देवतागण। इतनी बड़ी भाग्य होती है मानव शरीर की, इतना बड़ा मानव शरीर बड़ा है, देवता के शरीर के लिए नहीं कहा गया। जब पूछे गरुण जी से, गरुण जी पूछे का सुन लीजिए से कि महाराज कहो सबसे दुर्लभ कौन शरीर आता, कहे नर समान नहीं कौनो देही, अजीव चराचर जाचत जेही। ए मनुष्य के शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है, इस चराचर सब जीव चाहे देवता हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई धरती का कुछ जीव हो, प्राणी हो, वो सब चाहते हैं कि हम मानव हो जाए। इतनी बड़ी सुंदर शरीर को पा करके ऐसी संसार में कुत्तों और गधे और भेड़ों की तरह चौर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो और क्रिया में लगे हो, चौथी क्रिया में आहार निद्रा भय और मैथुन के बस विषय में इतने ही जानते हो। ये तो पशु भी जानता है, तब मानव शरीर क्यों बड़ी बहुत बड़ी है? ये तो पशु भी कर रहे हैं। कौन पशु नहीं सोता है, कौन पशु नहीं खाता है, कौन पशु मैथुन नहीं करता है, कौन पशु डरता नहीं है? डरता न हो सिंह तो मार में क्यों सोता है, जो धरती का राजा है उसको भी भय है। तो डरने और खाने और सोने और भोगने के लिए शरीर नहीं है। तो ब्रह्मा भी जिसको देख करके विस्मित हो रहे हैं, ऐसी भोग की व्यवस्था सब तपस्या के बल से मुनि भरद्वाज जी ने तैयार किया। कुछ सिद्धियां कर रही हैं तो कुछ अपने कर रहे हैं, क्योंकि बिना अपने किए विश्वास नहीं होता है। तो मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का, अभी तक सिद्धियों का प्रभाव भरत जी देखे वो कुछ भी नहीं विचार किए, लेकिन मुनि के प्रभाव को जब भरत जी देखे तो सब लघु लगे लोकपति लोका। तो देखे कि जितने लोग हैं वैकुंठ तक सब छोटे लग रहे हैं इस समय ये मुनि के आश्रम के आगे। अब इस समय मुनि के आश्रम के आगे सब लोग जितने लोक में कहे जाते हैं सब लोग छोटे लग रहे हैं, लघु लग रहे हैं। ठीक, लघु क्या लग रहे हैं, निम्न स्तर के दिख रहे हैं नीचे के। तो सुख समाज नहीं जात बखानी, सुख के समाज की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं हो रहा है। और देखत विरति विसार ही ज्ञानी, ऐसे सुख के समाज को विरक्त ज्ञानी, ज्ञानी और बैरागी ये अपनी ज्ञान और वैराग्य भूल जाए, ऐसी सुख की व्यवस्था वहां पर उनके द्वारा हो रही है। क्योंकि हम जीते हैं यहीं तक के लिए, हम धरती के नारियों को देख करके, धरती के खाने और भोग की व्यवस्था को देख करके हम कहते हैं हम खानों को नहीं चाहिए और कोई नारी नहीं चाहिए, लेकिन इससे ऊपर की बात कोई दिख गई तब उस पर हमारा कोई कंट्रोल है? हम 6 मन की नाल उठाते हैं, 10 मन की रख दी गई तब भी कहेंगे हम नाल उठाते हैं? वहाँ चुप हो जाएंगे कि हम नाल नहीं उठाते हैं। तो वहाँ ज्ञानी और बैरागी भी भूल गए अपने। तो आसन शयन सुबसन बिताना, आसन जो बिछाया गया बैठने के लिए, सोने के लिए, और सुंदर बसन जो पहनने के लिए। ठीक, अब वनवाटिका विहंग मृगनाना बनाया गया है वहां लाइन। ठीक, पूरा कर ले। तो वन वाटिका विहंग मृगनाना ये सब बनाया गया है। वन वाटिका पक्षी सब बनावटी है संसार के, इसलिए सब न वो ज्ञानी और वैराजी मोहित होंगे। हाँ, असुर भी फूल फल अमी समाना, फूल फल भी जो अमृत के समान है। अब विमल जलाशय विविध विधाना, गंदगी नहीं है ऐसे जलाशय भी वहां बनाए गए, तो तपस्या के बल से बनाए जा रहे हैं, उसमें एक भी मल नहीं है, न काई है न कीचड़ है न तो कोई घास फूस है। ठीक, असन पान सुचि यमल अमी से, और देखी लोग सकुचात जमी से। क्या पूछना है? उसको खाने की आवश्यकता न पड़ी, देख करके ही अध्यावासी तृप्त हो गए। सारा व्यवस्था बनाई गई देख करके ही थी। असुर सुर भी सुर तरु सब ही के, सबके पास काम धेनु और सबके पास कल्प वृक्ष। हे भगवान, स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष रहता है,
और यहाँ सबके पास कामधेनु और कल्प वृक्ष है। एक एक इंद्र की व्यवस्था एक एक व्यक्ति को दी गई। और लखी अभिलाष सुरेश सची के और वह व्यवस्था दे करके इंद्र और इंद्र की पत्नी को भी अभिलाषा हो रही कि हम भी वहीं चलें भरत जी के पास। और ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी बसंत ऋतु है चाहे किसी रूप में गए हैं भरत, उस समय क्या हो गया बसंत ऋतु। और तीन प्रकार की बयारी बह रही है जो कि बहुत सुखद होती है, शीतल मंद और सुगंध। और सब कहा सुलभ पदार्थ चारी, और सबको सुलभ है चारों पदार्थ, चाहे अर्थ चाहे धर्म चाहे काम चाहे मोक्ष जो चाहे, क्यों की काम धेनु और कल्प वृक्ष सबके पास है तो सब दे देते हैं। इसलिए सुलभ है। और श्रक चंदन बनिता आदि के भोगा, और चंदन और सुगंध। और देखिए स्त्री आदि के भोग, ये सब भोग की वस्तुएं हैं। देखिए भोग के वस्तु में लिखा जा रहा है, रामायण में लिखा जा रहा है, जो मैं आपसे कहता हूँ तो आप यही बार बार कहते हैं, आज से मत कहिएगा कि नारी भोग की वस्तु नहीं है। ये जो है ये व्यवस्था भी वहाँ की गई है। देखिए ना वनिता कहते हैं स्त्री को चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ, ये भोग के पदार्थ में गणना हुई किसकी, स्त्री की। और देखी हरस विस्मय बसलोगा, देख करके प्रसन्न भी हैं और विस्मित हैं कि ऐसा व्यवस्था हुआ कैसे। प्रसन्नता तो है, अचानक कहीं यहाँ अचानक में कोई बड़ी व्यवस्था हो जाए तो आप आएंगे सोचेंगे प्रसन्न तो होंगे कि आज बड़ा आनंद की बात यहाँ है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, दोनों बात होगी। तो संपत्ति चकई भरत चक, ये संपत्ति हो गई चकई और भरत हो गए चकोर, ऐसी व्यवस्था। अमुनिया या सुखेलवार, अमुनि का आदेश जो हुआ रिद्धियों सिद्धियों को, ये सब खिलवाड़ जैसा भरत को लग रहा है। आश्रम पिजरा रखे भावेनुसार, ओ आश्रम रूपी पिजरा बन गया, जैसे जंगल का पक्षी और पिजरा में बंद हो उस प्रकार से जागते हुए भरत को बोर हो गया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो की जय, बोलो श्री हनुमान जी की जय। ललन ब्रह्मा ललन विष्णु ललन देवो महेश्वर ललन साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री ललनाय नमः।